कहाँ तक पढ़े हो तुम? 10 बजे तक। 10 बजे तक? 9 बजे स्कूल शुरू हुआ तो 1 घंटा हो गया, तो प्रिंसिपल साहब समझ गए घंटा में कुछ पढ़ सकता हूँ। Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, khaini, zarda, etc. or their promotion in any manner. तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें, तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे YouTube पर अपलोड की जाती है YouTube वाले इसे हटा देते हैं। अब YouTube वाले क्यों हटा देते हैं ये आपको बताते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो जो है YouTube पर इसे अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं, और वे खुद भी इसे YouTube पर अपलोड नहीं कर रही हैं। इसलिए अगर कोई भी इसे अपलोड करता है तो वह YouTube से कहकर इसे हटवा देती हैं। आप क्यों हटवा देते हैं? क्योंकि वे अभी भी अपनी साइट पर इसे पैसे लेकर दिखा रही हैं। तो अगर भाई आपको फुल मूवी देखना है तो आपको पैसे देना होगा। आपको उनकी साइट पर जाकर पैसे देकर आप फुल मूवी देख सकते हैं। बात करें YouTube की, तो YouTube पर आप इसके छोटे मोटे पार्ट ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप यू आपको इस मूवी से रिलेटेड जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी की कहानी और इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको जरूर सुनने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के निर्माता हैं अशोक ठाकेदरिया, इंद्र कुमार निर्देशक हैं, इंद्र कुमार संगीत है इसमें, आनंद राज आनंद का कलाकार हैं इसमें, संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, मल्लिका शेरावत, कंगना, जावेद जफरी, आशीष चौधरी, सतीश कौशिक। रिलीज हुई थी 24 जून 2011 को। डबल धमाल मचाने के लिए धमाल के चार जोकर्स राय यानी रितेश देशमुख, मानव यानी जावेद जाफरी, आदि अरशद वारसी और बोमन यानी आशीष चौधरी फिर से आ गए हैं। अभी भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। जितने मूर्ख और बेकार किस्म के वह इंसान धमाल में थे, डबल धमाल में भी वे ऐसे ही हैं। मेहनत करना उनके बस की बात नहीं है, काम के नाम पर पड़े रहना और अच्छी ज़िंदगी के सपने देखना ही उन्होंने किया है। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और उनके पास खूब सारी दौलत हो। एक दिन चारों अपने पुराने दुश्मन भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर कबीर यानी संजय दत्त को देखते हैं और उनकी आँखें फटी रह जाती हैं। कबीर अब पुलिस अफसर नहीं रहा, उसकी लाइफ स्टाइल 5 सितारा है। महंगी कार, शानदार ऑफिस और बड़े से घर में वह अपनी खूबसूरत बीबी कामनी यानी मल्लिका शेरावत के साथ रहता है। कबीर की जिंदगी का यह आलम देख चारों जलने लगते हैं। वे फैसला करते हैं वे कबीर का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाएंगे। उन्हें पता चलता है कि कबीर की इस तरक्की का राज उसकी पत्नी और किया यानी कंगना को ही पाता है। इस राज पर उसे पर्दा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वे कई योजनाएँ बनाते हैं लेकिन उनकी हर ट्रिक नाकाम होती है। कहानी में संधू यानी बाटा भाई, सतीश कौशिक और किंग ऑफ कैसिनो यानी जानी बंजोला भी हैं, जो चारों को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। फिल्म में कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे तो हाथ से भरपूर होंगे। अंत में ठहाका लगाने में कौन कामयाब होगा, कबीर या चार जोकर्स, हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए अब थोड़ा निर्देशक के बारे में जान लेते हैं। निर्माता निर्देशक इंद्र कुमार की गिनती उन लोगों में होती है जिन्हें जनता की नब्ज की अच्छी समझ है। इस एक दौर ऐसा था जब इंद्र कुमार ने लायंस सुपरहिट फिल्में दिल 1990, बेटा 1992, राजा 1995, इश्क 1997 दी थी। जब मल्टीप्लेक्स का उदय हुआ, लोगों की रुचियाँ बदली तो इंद्र कुमार की कुछ फिल्में असफल रही। बीच बीच में उन्होंने मस्ती 2004 और धमाल 2007 जैसी सफल फिल्में दी। अब धमाल का सिक्वल लेकर आए हैं। इंद्र कुमार महान फिल्में नहीं बनाते, उनकी फिल्में आम लोगों के लिए होती हैं जो सिनेमाघर में अपने दुख को कुछ पलों के लिए भूल जाते हैं और हंसते हुए घर जाते हैं। तो चलिए अब इंडिया टीवी के अनुसार जान लेते हैं कि डबल धमाल में उनकी क्या राय है।
डबल धमाल चार जोकर जैसे नौजवानों अरशद वारसी जावेद जाफरी रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकला है और ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला। डायरेक्टर इंद्र कुमार के डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे लगाते हैं, नाक मुख सिकोड़ते हैं, आंखें मीचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं, लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली। गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाई उतारे जमी पर, काइट्स और गुजारिश जैसी ढेरों फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक तो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है। सेक्रेटरी के रोल में कंगना ने भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के बहस में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। डबल धमाल सीक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। इनके लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार। ये था इंडिया टीवी के अनुसार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी ज्यादा अपडेट्स और जानकारी पाने के लिए। डबल धमाल मचाने के लिए धमाल के चार जोकर्स राय रितेश देशमुख, मानो यानी जावेद जाफरी, आदि यानी अरशद वारसी और बोमन यानी आशीष चौधरी फिर से आ गए हैं। अभी भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जितने मूर्ख और बेकार किस्म के इंसान वे धमाल में थे, डबल धमाल में भी वे ऐसे ही हैं। मेहनत करना उनके बस की बात नहीं है, काम के नाम पर पड़े रहना और अच्छी ज़िंदगी के सपने देखना ही उन्होंने किया है। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और उनके पास खूब सारी दौलत हो। एक दिन चारों अपने पुराने दुश्मन भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर कबीर यानी संजय दत्त को देखते हैं और उनके आंखें फटी रह जाती हैं। कबीर अब पुलिस ऑफिसर नहीं रहा और उसकी लाइफ 5 सितारा है। महंगी कार, शानदार ऑफिस और बड़े से घर में वह अपनी खूबसूरत बीबी कामिनी यानी मल्लिका शेरावत के साथ रहता है। कबीर की जिंदगी का यह आलम देख चारों उससे जलने लगते हैं। वे फैसला करते हैं कि किसी भी तरह से वे कबीर जैसा बनेंगे। वे कबीर का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कबीर की इस तरक्की का राज उसकी पत्नी और किया यानी कंगना को ही पता है। इस राज पर से पर्दा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वे कई योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनकी हर ट्रिक नाकाम होती है। कहानी में संधु यानी बाटा भाई, सतीश कौशिक और किंग ऑफ कैसिनो जानी बेंजोला भी हैं जो चारों को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। फिल्म में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जो हास्य भरपूर होंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं डबल धमाल क्या धमाल से अच्छी है या नहीं, यानी डबल धमाल में वाक्यों में डबल धमाल है या फिर ये हाफ धमाल है, आइए जानते हैं। डबल धमाल चार जोकर जैसे नौजवानों अरशद वारसी जावेद जाफरी रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकलता है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला। डायरेक्टर इंद्र कुमार के डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे लगाते हैं, नाक में सिकोड़ते हैं, आंखें मीचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं, लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फिल्म के बोरिंग फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली। गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाइव तारे जमी पर, कैट्स और गुजारिश जैसी ढेर सारे फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। हालांकि अंत में फिल्म फिर भी बोर ही होती है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक दो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है।
सेक्रेटरी के रोल में कंगना से भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के भेष में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते हैं। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। डबल धमाल सीक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार। यह है दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी। दोस्तों फिल्म के नाम में ही डबल जोर देने से सब कुछ डबल नहीं हो जाता। इसकी मिसाल है डबल धमाल या सिंगल धमाल जैसा मजा नहीं देती। ऊटपटांग मूर्खतापूर्ण हरकतें धमाल में भी की थी, लेकिन उनको देख हंसी आती थी। डबल धमाल में भी ऐसी हरकतें हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर वक्त हंसने के बजाय चुपचाप बैठे रहने में गुजर जाता है। कलाकार चीखते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी हंसाने की कोशिश साफ नाकाम नजर आते हैं। निर्देशक इंद्र कुमार की हास्य फिल्मों के प्लस पॉइंट हैं वन लाइनर, चुटकुले नुमा दृश्य, सिचुएशन कॉमेडी। कहानी से ज़्यादा उनका फोकस हास्य दृश्य करने में रहता है, लेकिन डबल धमाल में न केवल कहानी कमजोर है बल्कि इंद्र कुमार अपने प्लस पॉइंट का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाए हैं, लिहाजा बीच बीच में रफ पैचेस आते रहते हैं। फिल्म वहां से शुरू होती है जहां धमाल खत्म हुई थी। राय मानो आदि और बोमन के पास पैसा नहीं है। उनका दुख तब और बढ़ जाता है जब वे कबीर को देखते हैं। कबीर न केवल माला माल है बल्कि कामनी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी उसके पास है। कबीर के पास जाकर चारों उसके पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं। जब नाकाम रहते हैं तो उसे ब्लैकमेलिंग करते हैं, खड़यंत्र रचते हैं, लेकिन कबीर उसकी बहन किया और कामनी भी बेहद होशियार रहते हैं। उनकी हर चाल का जवाब उनके पास रहता है। एक दूसरे पर भारी कौन साबित होता है या कॉमेडी के साथ फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। धमाल का सुक्कल होना डबल धमाल के लिए माइनस पॉइंट साबित हुआ है। डबल धमाल कुछ कमजोरियों के बावजूद थोड़ा बहुत मनोरंजन करती है, लेकिन ना चाहते हुए कि दोनों फिल्मों में तुलना होती है और पलड़ा धमाल का भारी नजर आता है। दरअसल इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में वो दम नहीं है कि छोटी सी कहानी को लंबा खींचने के बावजूद दर्शकों को बांध कर रखा जा सके। फिल्म में कुछ बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाना निर्देशक की नाकामी को दर्शाता है। रितेश देशमुख को हास्य भूमिका बड़ी सहजता के साथ निभाते हैं से ज़्यादातर समय मिमिक्री करवाई गई है। अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने जरूर अपनी तरफ से कुछ पेश करने की कोशिश की है। आशीष चौधरी तभी अच्छे लगते हैं जब वे चिंपाजी बनते हैं या महिला का रूप धारण करते हैं। संजय दत्त की जो इमेज है उसके अनुरूप भूमिका नहीं लिखी गई। कंगना और मल्लिका को ग्लैमर बढ़ाने के लिए ही रखा गया था। अपने सेक्सी फिगर के बावजूद जलेबी बाई बनी मल्लिका शीला या मुन्नी जैसा जादू नहीं जगा पाई। संवाद सुनकर हमेशा हंसी आए जरूरी नहीं है। तकनीकी रूप से फिल्म कमजोर नजर आती है। गानों का उपयोग दर्शक ब्रेक लेने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर डबल धमाल धमाल की आधी है। बहुत सारा फालतू समय हो तो इसे देखा जा सकता है। कहानी हाथ को आया पर मुंह को न लगाया। फिल्म धमाल में कहानी कुछ ऐसे ही मोड़ पर ख़त्म हुई थी जब धमाल में भी आदि यानी अरशद वारसी, मानो जावेद जाफरी, राय, रितेश देशमुख और बमन यानी आशीष चौधरी उसी मोड़ पर खड़े दिखाई देते हैं। इन चारों को ज़रूरत है एक बड़े धक्के की जो उनकी नैया पार लगा दे। इन चारों से उस समय रहा नहीं जाता जब इंस्पेक्टर कबीर नायक संजय दत्त को नवाबी ठाठ में देखते हैं। साथ में है कबीर की प्रेमिका यानी कामनी, मल्लिका और बहन किया यानी कंगना, जो उसके दो नंबरी कामों में बराबर की पार्टनर है। आदि मानो बमन और राय कबीर से आगे निकलने की होड़ में बाटा भाई यानी सतीश कौशिक जैसे गुंडे को अपना दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि कबीर इन चारों के 250 करोड़ हड़प कर भाग जाता है। उसके पीछे पीछे चारों भी मकाऊ चले जाते हैं और भेष बदलकर उसके कैसनों में काम करने लगते हैं और उसे बर्बाद करने की साजिश रचने लगते हैं। निर्देशन अपने 21 साल के करियर में निर्देशक
इंद्र कुमार ने पहली बार किसी फिल्म का सीक्वल बनाया है। इंद्र कुमार की फिल्मों में कहानी और उसे कहने का ढंग निराला होता है। दिल, बेटा, राजा, इश्क और मस्ती सहित कई फिल्मों की कहानियों में ट्विस्ट का दम वह दिखा चुके हैं, लेकिन दमल धमाल की कहानी में वो जलवा ही नहीं है। पहले और दूसरे भाग की कहानी में कोई कनेक्शन नहीं दिखता, सिवाय इसके कि लगभग सारे किरदार रिपीट किए गए हैं। हालांकि पटकथा में उन्हें तुषार हीरानंदिनी का अच्छा साथ मिला है, लेकिन फिल्म में ऐसे कई सीन्स हैं जिन्हें आसानी से किनारे किया जा सकता था। बहरहाल फिल्म में कुछ हिस्सों को उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से ह्यूमर में लपेटा है। अभिनय, पहले भाग की तुलना में संजय दत्त इस बार कम प्रभावी लगते हैं। या तो जाहिर है कि मल्लिका शरावत को एक्टिंग के लिए कम एक्सपोजर के लिए ज़्यादा रखा गया है, कंगना के एक्सेंट में प्रॉब्लम है और उनकी कॉमिक टाइमिंग भी खराब है, खास तौर पर जब सामने अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे कलाकार हो। पूरी फिल्म में अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रितेश देशमुख ने ही बांधे रखा है। बाबा स्टाइल में सतीश कौशिक की भाईगिरी अच्छी है, लेकिन उनके किरदार को साइडलाइन कर दिया गया है। आशीष चौधरी ठीक ठाक हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या है खास। ये तो फिल्म के हर दूसरे तीसरे सीन्स में कॉमेडी का तड़का है, फिर भी गोरिल्ला वाला सीन काफ़ी बढ़िया है। बमन के सूजे होंठ, अरशद का सिख स्टाइल और रितेश की मिमिक्री और जावेद का सो क्यूट स्टाइल गुदगुदाने वाले हैं। क्या है बकवास, जिस कहानी में दिमाग ना लगाना पड़े वहाँ कुछ भी हो सकता है। कबीर को राय एंड कंपनी की चालों का पहले से ही पता होना और सब जानते बूझते बेवकूफ बनना पल्ले नहीं पड़ता। पंचलाइन, फिल्म इस नोट के साथ ख़त्म होती है कि डबल धमाल का भी सीक्वल बनेगा, लेकिन फिल्म देखकर इसकी ज़रूरत महसूस तो नहीं होती। डबल धमाल की कहानी जानदार नहीं है, लेकिन इसमें एंटरटेनमेंट की एक ऐसे मज़ेदार डोज जरूर है जिसे एक बार लेने में कोई बुराई नहीं है। सितारे, संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, कंगना रनौत, मल्लिका शरावत, सतीश कौशिक आदि। निर्माता अशोक ठकेरिया और इंद्र कुमार। निर्देशक इंद्र कुमार। संगीत आनंद राज आनंद। गीत आनंद राज आनंद और मयूर पुरी। तो चलिए जानते हैं, डबल धमाल का कोई अर्थ तो नहीं है पर यह व्यर्थ भी नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह फिल्म ईमानदारी से हंसाने वाली फिल्म है। दूसरे हिस्से की कुछ गैर जरूरी जोड़बंदियों को छोड़ दे तो इसमें लिखावट, अभिनय, टाइमिंग और सिनेमेटोग्राफी की पैकेजिंग अच्छी है। दर्जा तो इसका भी सड़क छाप ही है, पर इस श्रेणी की हाल में ही आई रेडी, थैंक यू पटियाला हाउस, नो प्रॉब्लम जैसी वजनी नामों और बजट वाली फिल्मों से यह 20 है। कहानी वही धमाल के आगे की 10 करोड़ के खजाने के लिए दौड़ते चार बदमाश देश बंधु रितेश, मानो यानी जावेद और आदि यानी वारसी और बोमन यानी आशीष को उनका ही गुरघंटाला कबीर नायक यानी संजय दत्त बार बार चकमा देता है। इतना सा किस्सा पर चौकड़ी के अभिनेताओं ने जो एक सुर पकड़ा और पकड़ कर रखा है वह फिल्म की जान है। एक आर्केस्ट्रा सा बना है, उनका सब शामिल बाजा एक की ऊर्जा को दूसरे आगे बढ़ाता हुआ, गंदे तू गंदा, प्यार की कमी ना आए, कमीना आ गया, कुछ इसी तरह कुदरत ने इन्हें गला भी खोल कर दिया है, जिससे वे फिल्म के भव्य और लाउड मिजाज में खूब योगदान करते हैं। खासकर वारसी, फिल्म की रफ्तार भी दनाती सनसनाती है। दत्त के साथ नथी, मल्लिका और कंगना ग्लैमर घोलती हैं, पर उनके मुंह से तेज संवाद, तौबा तौबा, सिनेमेटोग्राफर असीम वजाज ने भव्य लोकेशंस को उनकी ऊंचाई और गहराई में खूबसूरती से उतारा है। अंतिम दृश्य कुछ इस तरह का है जैसे सारे किरदार सर पर धमाल 3 में घुसने जा रहे हैं। डबल धमाल इज एन इंडियन कॉमेडी फिल्म एंड सीक्वल टू द 2007 हिट फिल्म धमाल एंड द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ धमाल फिल्म सीरीज। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार एंड प्रोड्यूस्ड बाय अशोक थकरिया। डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार, प्रोड्यूस्ड बाय अशोक थकरिया इंद्र कुमार। रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले तुषार
हीरा नंदनी, स्टेरिंग संजय दत्त, कंगना रनौत, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मल्लिका शेरावत। म्यूजिक बाय आनंद राज आनंद। संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी एंड जावेद जाफरी रेफराइज देयर रोल्स फ्रॉम द प्रीवियस फिल्म विद कंगना रनौत एंड मल्लिका शेरावत एज न्यू एडिशन। द थिएट्रिकल ट्रेलर ऑफ द फिल्म वॉज द रिवील्ड ऑन 20 मार्च 2011 अलॉन्ग विद द फिल्म हंटेड। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 24 जून 2011। अपॉन रिलीज द फिल्म रिसीव मिक्सड रिव्यू फ्रॉम क्रिटिकल बट वॉज द कमर्शियल हिट एट द बॉक्स ऑफिस। A sequel review title Total Dhamal was the released in February 2009 with the main three cast Deshmukh, Varshi and Jeffrey Refrigerant. Now we talk about the production. Double Dhamal, which was released on 24 June 2011, was shot in the Mehboob Studio, Macau and Hong Kong at the Mahurat of the film. It was the announcer director Deshmukh, Ashish Chaudhary, Arshad Varsi and Javed Jaffery will be the reprise their roles of the friend again, while Sanjay Dutt plays the millionaire. This time the film focuses on the four friends blackmailing the two Sharja all further in the most hurried always they on the can't think of. The film finished shooting early May 2011 and brought right the remake the song Oi Oi from the 1989 action film. Now I talk about the casting. Earlier actress Vidya Balan and chosen to play the role of Kamini, but report suggested the refuse and was substantially replaced by Mallika Shrawat Asin, and critical was the offered but the role of Kamini M. Kia, but she did not sign the film and because she could not agree with the script. Now talk about the reception, critical reception. तो आइए दोस्तों जानते हैं डबल धमाल क्या धमाल से अच्छी है या नहीं, यानी डबल धमाल में वाक्यों में डबल धमाल है या फिर ये हाफ धमाल है। आइए जानते हैं। डबल धमाल चार जोकर जैसे नौजवानों अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकलता है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का सिलसिला। डायरेक्टर इंद्र कुमार की डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं, जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे लगाते हैं, नाक में उसकड़ते हैं, आंखें मीचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं, लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फिल्म के बोरिंग फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली। गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाइव, तारे जमी पर, कैड्स और गुजारिश जैसी ढेर सारे फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। हालांकि अंत में फिल्म फिर भी बोरिंग हो गई है हालांकि अंत में फिल्म फिर भी बोर ही होती है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक दो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है। सेक्रेटरी के रोल में कंगना से भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के भेष में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते हैं। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। डबल धमाल सीक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार। दोस्तों फिल्म के नाम में ही डबल जोर देने से सब कुछ डबल नहीं हो जाता। इसकी मिसाल है डबल धमाल या सिंगल धमाल जैसा मजा नहीं देती। ऊटपटांग मूर्खतापूर्ण हरकतें धमाल में भी की थी, लेकिन उनको देख हंसी आती थी। डबल धमाल में भी ऐसी हरकतें हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर वक्त हंसने के बजाय चुपचाप बैठे रहने में गुजर जाता है।
कलाकार चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी हंसाने की कोशिश साफ नाकाम नजर आती है। निर्देशक इंद्र कुमार की हास्य फिल्मों के प्लस पॉइंट हैं वन लाइनर, चुटकुले नुमा दृश्य, सिचुएशन कॉमेडी। कहानी से ज़्यादा उनका फोकस हास्य दृश्य करने में रहता है, लेकिन डबल धमाल में न केवल कहानी कमजोर है बल्कि इंद्र कुमार अपने प्लस पॉइंट का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाए हैं, लिहाजा बीच बीच में रफ पैचेस आते रहते हैं। फिल्म वहां से शुरू होती है जहां धमाल खत्म हुई थी। राय मानो आदि और बोमन के पास पैसा नहीं है। उनका दुख तब और बढ़ जाता है जब वे कबीर को देखते हैं। कबीर न केवल माला माल है बल्कि कामनी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी उसके पास है। कबीर के पास जाकर चारों उसके पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं। जब नाकाम रहते हैं तो उसे ब्लैकमेलिंग करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन कबीर, उसकी बहन किया और कामनी भी बेहद होशियार रहते हैं। उनकी हर चाल का जवाब उनके पास रहता है। एक दूसरे पर भारी कौन साबित होता है, या कॉमेडी के साथ फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। धमाल का सुक्कल होना डबल धमाल के लिए माइनस पॉइंट साबित हुआ है। डबल धमाल कुछ कमजोरियों के बावजूद थोड़ा बहुत मनोरंजन करती है, लेकिन ना चाहते हुए कि दोनों फिल्मों में तुलना होती है और पलड़ा धमाल का भारी नजर आता है। दरअसल इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में वो दम नहीं है कि छोटी सी कहानी को लंबा खींचने के बावजूद दर्शकों को बांध कर रखा जा सके। फिल्म में कुछ बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाना निर्देशक की नाकामी को दर्शाता है। रितेश देशमुख को हास्य भूमिका बड़ी सहजता के साथ निभाते हैं से ज़्यादातर समय मिमिक्री करवाई गई है। अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने जरूर अपनी तरफ से कुछ पेश करने की कोशिश की है। आशीष चौधरी तभी अच्छे लगते हैं जब वे चिंपाजी बनते हैं या महिला का रूप धारण करते हैं। संजय दत्त की जो इमेज है उसके अनुरूप भूमिका नहीं लिखी गई। कंगना और मल्लिका को ग्लैमर बढ़ाने के लिए ही रखा गया था। अपने सेक्सी फिगर के बावजूद जलेबी बाई बनी मल्लिका सीलाया मुन्नी जैसा जादू नहीं जगा पाई। संवाद सुनकर हमेशा हंसी आए जरूरी नहीं है। तकनीकी रूप से फिल्म कमजोर नजर आती है। गानों का उपयोग दर्शक ब्रेक लेने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर डबल धमाल धमाल की आधी है। बहुत सारा फालतू समय हो तो इसे देखा जा सकता है। हेलो दोस्तों, अगर आप डबल धमाल मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। अब यूट्यूब वाले क्यों हटा देते हैं, ये आपको बताते हैं। जो कंपनियाँ इस मूवी की मालिक हैं वो जो है यूट्यूब पर इसे अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं, और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रही हैं। इसलिए अगर कोई भी इसे अपलोड करता है तो वह यूट्यूब से कहकर इसे हटवा देती हैं। आप क्यों हटवा देते हैं, क्योंकि वे अभी भी अपने साइट पर इसे पैसे लेकर दिखा रही हैं। तो अगर भाई आपको फुल मूवी देखना है तो आपको पैसे देना होगा। आपको उनकी साइट पर जाकर पैसे देकर आप फुल मूवी देख सकते हैं। बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब पर आप इसके छोटे मोटे पार्ट ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप यू आपको इस मूवी से रिलेटेड जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी की कहानी और इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको जरूर सुनने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के निर्माता हैं अशोक ठाकेदरिया, इंद्र कुमार निर्देशक हैं, इंद्र कुमार संगीत है इसमें आनंद राज आनंद का, कलाकार हैं इसमें संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, मल्लिका शेरावत, कंगना, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी, सतीश कौशिक। यह रिलीज हुई थी 24 जून 2011 को। डबल धमाल मचाने के लिए धमाल के चार जोकर्स राय यानी रितेश देशमुख, मानो यानी जावेद जाफरी, आदि अरशद वारसी और बोमन यानी आशीष चौधरी फिर से आ गए हैं। अभी भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। जितने मूर्ख और बेकार किस्म के वे इंसान धमाल में थे, डबल धमाल में भी वे ऐसे ही हैं। मेहनत करना उनके बस की बात नहीं है। काम के नाम पर पड़े रहना और अच्छी ज़िंदगी के सपने देखना ही उन्होंने किया है। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और उनके पास खूब सारी दौलत हो। एक दिन चारों अपने पुराने दुश्मन भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर कबीर यानी संजय दत्त को देखते हैं और उनकी आँखें फटी रह जाती हैं। कबीर अब पुलिस अफसर नहीं रहा, उसकी लाइफ स्टाइल 5 सितारा है। महंगी कार, शानदार ऑफिस और बड़े से घर में वह अपनी खूबसूरत बीबी कामनी यानी मल्लिका शेरावत के साथ रहता है। कबीर की
जिंदगी का यह आलम देख चारों जलने लगते हैं। वे फैसला करते हैं वे कबीर का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाएंगे। उन्हें पता चलता है कि कबीर की इस तरक्की का राज उसकी पत्नी और किया यानी कंगना को ही पाता है। इस राज पर उसे पर्दा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वे कई योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनकी हर ट्रिक नाकाम होती है। कहानी में संधु यानी पाटा भाई, सतीश कौशिक और किंग ऑफ कैसीनो यानी जानी बंजोला भी हैं, जो चारों को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। फिल्म में कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे तो हाथ से भरपूर होंगे। अंत में ठहाका लगाने में कौन कामयाब होगा, कबीर या चार जोकर्स, हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए अब थोड़ा निर्देशक के बारे में जान लेते हैं। निर्माता निर्देशक इंद्र कुमार की गिनती उन लोगों में होती है जिन्हें जनता की नब्ज की अच्छी समझ है। इस एक दौर ऐसा था जब इंद्र कुमार ने लायंस सुपरहिट फिल्में दिल 1990, बेटा 1992, राजा 1995, इश्क 1997 दी थी। जब मल्टीप्लेक्स का उदय हुआ, लोगों की रुचियाँ बदली तो इंद्र कुमार की कुछ फिल्में असफल रही। बीच बीच में उन्होंने मस्ती 2004 और धमाल 2007 जैसी सफल फिल्में दी। अब धमाल का सिक्वल लेकर आए हैं। इंद्र कुमार महान फिल्में नहीं बनाते, उनकी फिल्में आम लोगों के लिए होती हैं जो सिनेमाघर में अपने दुख को कुछ पलों के लिए भूल जाते हैं और हंसते हुए घर जाते हैं। तो चलिए अब इंडिया टीवी के अनुसार जान लेते हैं कि डबल धमाल में उनकी क्या राय है। डबल धमाल चार जोकर जैसे नौजवानों अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकला है और ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला। डायरेक्टर इंद्र कुमार के डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं, जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे लगाते हैं, नाक मुख सिकोड़ते हैं, आंखें मिचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं, लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली। गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाई उतारे जमीन पर, काइट्स और गुजारिश जैसी ढेरों फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक दो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है। सेक्रेटरी के रोल में कंगना ने भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के बहस में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। डबल धमाल सिक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। इनके लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार। ये था इंडिया टीवी के अनुसार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी ज्यादा अपडेट्स और जानकारी पाने के लिए। डबल धमाल मचाने के लिए धमाल के चार जोकर्स राय रितेश देशमुख, मानो यानी जावेद जाफरी, आदि यानी अरशद वारसी और बोमन यानी आशीष चौधरी फिर से आ गए हैं। अभी भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जितने मूर्ख और बेकार किस्म के इंसान वे धमाल में थे, डबल धमाल में भी वे ऐसे ही हैं। मेहनत करना उनके बस की बात नहीं है, काम के नाम पर पड़े रहना और अच्छी ज़िंदगी के सपने देखना ही उन्होंने किया है। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और उनके पास खूब सारी दौलत हो। एक दिन चारों अपने पुराने दुश्मन भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर कबीर यानी संजय दत्त को देखते हैं और उनके आंखें फटी रह जाती हैं। कबीर अब पुलिस ऑफिसर नहीं रहा और उसकी लाइफ 5 सितारा है। महंगी कार, शानदार ऑफिस और बड़े से घर में वह अपनी खूबसूरत बीबी कामिनी यानी मल्लिका शेरावत के साथ रहता है। कबीर की जिंदगी का यह आलम देख चारों उससे जलने लगते हैं। वे फैसला करते हैं कि किसी भी तरह से वे कबीर जैसा बनेंगे। वे कबीर का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कबीर की इस तरक्की का राज उसकी पत्नी और किया यानी कंगना को ही पता है। इस राज पर से पर्दा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वे कई योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनकी हर ट्रिक नाकाम होती है। कहानी में संधु यानी पाटा भाई, सतीश कौशिक और किंग ऑफ कैसीनो जानी बेंजोला भी हैं, जो चारों को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। फिल्म में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जो हाथ से भरपूर होंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं डबल धमाल क्या धमाल से अच्छी है या नहीं, यानी डबल धमाल में वाक्यों में डबल धमाल है या फिर ये हाफ धमाल है, आइए जानते हैं।
डबल धमाल चार जोकर जैसे नौजवानों अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकलता है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला। डायरेक्टर इंद्र कुमार की डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं, जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे लगाते हैं, नाक में उसकड़ते हैं, आंखें मीचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं, लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फिल्म के बोरिंग फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली। गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाइव, तारे जमी पर, कैड्स और गुजारिश जैसी ढेर सारे फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। हालांकि अंत में फिल्म फिर भी बोर ही होती है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक दो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है। सेक्रेटरी के रोल में कंगना से भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के भेष में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते हैं। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। डबल धमाल सीक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार। यह है दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी। दोस्तों फिल्म के नाम में ही डबल जोर देने से सब कुछ डबल नहीं हो जाता। इसकी मिसाल है डबल धमाल या सिंगल धमाल जैसा मजा नहीं देती। ऊटपटांग मूर्खतापूर्ण हरकतें धमाल में भी की थी, लेकिन उनको देख हंसी आती थी। डबल धमाल में भी ऐसी हरकतें हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर वक्त हंसने के बजाय चुपचाप बैठे रहने में गुजर जाता है। कलाकार चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी हंसाने की कोशिश साफ नाकाम नजर आते हैं। निर्देशक इंद्र कुमार की हास्य फिल्मों के प्लस पॉइंट हैं वन लाइनर, चुटकुले नुमा दृश्य, सिचुएशन कॉमेडी। कहानी से ज़्यादा उनका फोकस हास्य दृश्य करने में रहता है, लेकिन डबल धमाल में न केवल कहानी कमजोर है बल्कि इंद्र कुमार अपने प्लस पॉइंट का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाए हैं, लिहाजा बीच बीच में रफ पैचेस आते रहते हैं। फिल्म वहाँ से शुरू होती है जहाँ धमाल खत्म हुई थी। राय मानो आदि और बोमन के पास पैसा नहीं है। उनका दुख तब और बढ़ जाता है जब वे कबीर को देखते हैं। कबीर न केवल माला माल है बल्कि कामनी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी उसके पास है। कबीर के पास जाकर चारों उसके पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं। जब नाकाम रहते हैं तो उसे ब्लैकमेलिंग करते हैं, खड़यंत्र रचते हैं, लेकिन कबीर, उसकी बहन किया और कामनी भी बेहद होशियार रहते हैं। उनकी हर चाल का जवाब उनके पास रहता है। एक दूसरे पर भारी कौन साबित होता है या कॉमेडी के साथ फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। धमाल का सुक्कल होना डबल धमाल के लिए माइनस पॉइंट साबित हुआ है। डबल धमाल कुछ कमजोरियों के बावजूद थोड़ा बहुत मनोरंजन करती है, लेकिन ना चाहते हुए कि दोनों फिल्मों में तुलना होती है और पलड़ा धमाल का भारी नजर आता है। दरअसल इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में वो दम नहीं है कि छोटी सी कहानी को लंबा खींचने के बावजूद दर्शकों को बांध कर रखा जा सके। फिल्म में कुछ बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाना निर्देशक की नाकामी को दर्शाता है। रितेश देशमुख को हास्य भूमिका बड़ी सहजता के साथ निभाते हैं से ज़्यादातर समय मिमिक्री करवाई गई है। अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने जरूर अपनी तरफ से कुछ पेश करने की कोशिश की है। आशीष चौधरी तभी अच्छे लगते हैं जब वे चिंपाजी बनते हैं या महिला का रूप धारण करते हैं। संजय दत्त की जो इमेज है उसके अनुरूप भूमिका नहीं लिखी गई। कंगना और मल्लिका को ग्लैमर बढ़ाने के लिए ही रखा गया था। अपने सेक्सी फिगर के बावजूद जलेबी बाई बनी मल्लिका शीला या मुन्नी जैसा जादू नहीं जगा पाई। संवाद सुनकर हमेशा हंसी आए जरूरी नहीं है।
तकनीकी रूप से फिल्म कमजोर नजर आती है। गानों का उपयोग दर्शक ब्रेक लेने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर डबल धमाल धमाल की आधी है। बहुत सारा फालतू समय हो तो इसे देखा जा सकता है। कहानी हाथ को आया पर मुंह को न लगाया। फिल्म धमाल में कहानी कुछ ऐसे ही मोड़ पर ख़त्म हुई थी जब धमाल में भी आदि यानी अरशद वारसी, मानो जावेद जाफरी राय, रितेश देशमुख और बमन यानी आशीष चौधरी उसी मोड़ पर खड़े दिखाई देते हैं। इन चारों को ज़रूरत है एक बड़े धक्के की जो उनकी नैया पार लगा दे। इन चारों से उस समय रहा नहीं जाता जब इंस्पेक्टर कबीर नायक संजय दत्त को नवाबी ठाठ में देखते हैं। साथ में है कबीर की प्रेमिका यानी कामनी मल्लिका और बहन किया यानी कंगना, जो उसके दो नंबरी कामों में बराबर की पार्टनर हैं। आदि मानो बमन और राय कबीर से आगे निकलने की होड़ में बाटा भाई यानी सतीश कौशिक जैसे गुंडे को अपना दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि कबीर इन चारों के 250 करोड़ हड़प कर भाग जाता है। उसके पीछे पीछे चारों भी मकाऊ चले जाते हैं और भेष बदल कर उसके कैसनों में काम करने लगते हैं और उसे बर्बाद करने की साजिश रचने लगते हैं। निर्देशक अपने 21 साल के करियर में निर्देशक इंद्र कुमार ने पहली बार किसी फिल्म का सुकल बनाया है। इंद्र कुमार की फिल्मों में कहानी और उसे कहने का ढंग निराला होता है। दिल, बेटा, राजा, इश्क और मस्ती सहित कई फिल्मों की कहानियों में ट्विस्ट का दम वह दिखा चुके हैं, लेकिन दमल धमाल की कहानी में वह जलवा ही नहीं है। पहले और दूसरे भाग की कहानी में कोई कनेक्शन नहीं दिखता, सिवाय इसके कि लगभग सारे किरदार रिपीट किए गए हैं। हालांकि पटकथा में उन्हें तुषार हीरानंदिनी का अच्छा साथ मिला है, लेकिन फिल्म में ऐसे कई सीन्स हैं जिन्हें आसानी से किनारे किया जा सकता था। बहरहाल फिल्म में कुछ हिस्सों को उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से ह्यूमर में लपेटा है। अभिनय, पहले भाग की तुलना में संजय दत्त इस बार कम प्रभावी लगते हैं। या तो जाहिर है कि मल्लिका शरावत को एक्टिंग के लिए कम एक्सपोजर के लिए ज़्यादा रखा गया है। कंगना के एक्सेंट में प्रॉब्लम है और उनकी कॉमिक टाइमिंग भी खराब है, खास तौर पर जब सामने अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे कलाकार हो। पूरी फिल्म में अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रितेश देशमुख ने ही बांधे रखा है। बाबा स्टाइल में सतीश कौशिक की भाईगिरी अच्छी है, लेकिन उनके किरदार को साइडलाइन कर दिया गया है। आशीष चौधरी ठीक ठाक हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या है खास। यूँ तो फिल्म के हर दूसरे तीसरे सीन्स में कॉमेडी का तड़का है, फिर भी गोरिल्ला वाला सीन काफ़ी बढ़िया है। बमन के सूजे होंठ, अरशद का सिख स्टाइल और रितेश की मिमिक्री और जावेद का सो क्यूट स्टाइल गुदगुदाने वाले हैं। क्या है बकवास। जिस कहानी में दिमाग ना लगाना पड़े वहाँ कुछ भी हो सकता है। कबीर को राय एंड कंपनी की चालों का पहले से ही पता होना और सब जानते बूझते बेवकूफ़ बनना पल्ले नहीं पड़ता। पंचलाइन, फिल्म इस नोट के साथ ख़त्म होती है कि डबल धमाल का भी सिक्वल बनेगा, लेकिन फिल्म देखकर इसकी ज़रूरत महसूस तो नहीं होती। डबल धमाल की कहानी जानदार नहीं है, लेकिन इसमें एंटरटेनमेंट की एक ऐसे मज़ेदार डोज जरूर है जिसे एक बार लेने में कोई बुराई नहीं है। सितारे, संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, कंगना रनौत, मल्लिका शरावत, सतीश कौशिक आदि। निर्माता अशोक ठकेरिया और इंद्र कुमार। निर्देशक इंद्र कुमार। संगीत आनंद राज आनंद। गीत आनंद राज आनंद और मयूर पुरी। तो चलिए जानते हैं, डबल धमाल का कोई अर्थ तो नहीं है पर यह व्यर्थ भी नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह फिल्म ईमानदारी से हंसाने वाली फिल्म है। दूसरे हिस्से की कुछ गैर जरूरी जोड़बंदियों को छोड़ दे तो इसमें लिखावट, अभिनय, टाइमिंग और सिनेमेटोग्राफी की पैकेजिंग अच्छी है। दर्जा तो इसका भी सड़क छाप ही है, पर इस श्रेणी की हाल में ही आई रेडी, थैंक यू पटियाला हाउस, नो प्रॉब्लम जैसी वजनी नामों और बजट वाली फिल्मों से यह 20 है। कहानी वही धमाल के आगे की 10 करोड़ के खजाने के लिए दौड़ते चार बदमाश देश बंधु रितेश, मानो यानी जावेद और आदि यानी वारसी और
बोमन यानी आशीष को उनका ही गुरु घंटाला कबीर नायक यानी संजय दत्त बार बार चकमा देता है। इतना सा किस्सा पर चौकड़ी के अभिनेताओं ने जो एक सुर पकड़ा और पकड़ कर रखा है वह फिल्म की जान है। एक ऑर्केस्ट्रा सा बना है, उनका सब शामिल बाजा एक की ऊर्जा को दूसरे आगे बढ़ाता हुआ गंदे तो गंदा प्यार की कमी ना आए कमी ना आ गया। कुछ इसी तरह कुदरत ने इन्हें गला भी खोल कर दिया है जिससे वे फिल्म के भव्य और लाउड मिजाज में खूब योगदान करते हैं। खासकर वारसी फिल्म की रफ्तार भी दनाती सनसनाती है। दत्त के साथ नथी मल्लिका और कंगना ग्लैमर घोलती हैं पर उनके मुंह से तेज संवाद तौबा तौबा सिनेमेटोग्राफर असीम वजाज ने भव्य लोकेशंस को उनकी ऊंचाई और गहराई में खूबसूरती से उतारा है। अंतिम दृश्य कुछ इस तरह का है जैसे सारे किरदार सर पर धमाल थ्री में घुसने जा रहे हैं। डबल धमाल इजियन इंडियन कॉमेडी फिल्म एंड सीक्वल टू द 2007 हिट फिल्म धमाल एंड द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ धमाल फिल्म सीरीज। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार एंड प्रोड्यूस्ड बाय अशोक थकरिया। डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार, प्रोड्यूस्ड बाय अशोक थकरिया इंद्र कुमार। रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले तुषार हीरानंदनी। स्टेरिंग संजय दत्त, कंगना रनौत, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मल्लिका सरावत। म्यूजिक बाय आनंद राज आनंद। संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी एंड जावेद जाफरी रिप्राइज देयर रोल्स फ्रॉम द प्रीवियस फिल्म विद कंगना रनौत एंड मल्लिका सरावत एज न्यू एडिशन। द थिएट्रिकल ट्रेलर ऑफ द फिल्म वॉज द रिवेल्ड आर्ट 20 मार्च 2011 अलॉन्ग विद द फिल्म हंटेड। द फिल्म रिलीज ऑन 24 जून 2011। अपॉन रिलीज द फिल्म रिसीव मिक्सड रिव्यू फ्रॉम क्रिटिकल बट वॉज द कमर्शियल हिट एट द बॉक्स ऑफिस। सीक्वल रिव्यू टाइटल टोटल धमाल वॉज द रिलीज इन February 20, 2009 विद द मेन थ्री कास्ट देशमुख वारसी एंड जेफरी रिफ्रिजाइन। Now we talk about the production. Double Dhamal, which released on 24 June 2011, was shot in the Mehboob Studio, Macau and Hong Kong. At the Muhurat of the film, it was the announced that Ritesh Deshmukh, Ashish Chaudhary, Arshad Warsi and Javed Jaffri will be the reprise their roles of the friend again, while Sanjay Dutt plays the millionaire. This time the film focused on the four friends blackmailing the two Sharja all further in the most hurried always they on the can thing of. The film finished shooting early May 2011 and brought right the remake the song Oi Oi from the 1989 action film. Now I talk about the casting. Earlier actress Vidya Balan and chosen to play the role of Kamini Bhatt report suggested the refuge and was substantially replaced by Mallika Shrawat Asin and Kotikal Vasita offered but the role of Kamini and Kia, but she did not sign the film and because she could not agree with the script. Now talk about the reception, critical reception. तो आइए दोस्तों जानते हैं डबल धमाल क्या धमाल से अच्छी है या नहीं, यानी डबल धमाल में वाक्यों में डबल धमाल है या फिर ये हाफ धमाल है। आइए जानते हैं डबल धमाल चार जोकर जैसे नौजवानों अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकलता है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का सिलसिला। डायरेक्टर इंद्र कुमार के डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं, जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे लगाते हैं, नाक में उछकड़ते हैं, आंखें मिचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं, लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फिल्म के बोरिंग फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली।
गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाइव, तारे जमी पर, कैड्स और गुजारिश जैसी ढेर सारे फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। हालांकि अंत में फिल्म फिर भी बोरिंग हो गई है हालांकि अंत में फिल्म फिर भी बोर ही होती है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक दो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है। सेक्रेटरी के रोल में कंगना से भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के भेष में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते हैं। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। डबल धमाल सीक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार। दोस्तों, फिल्म के नाम में ही डबल जोड़ देने से सब कुछ डबल नहीं हो जाता। इसकी मिसाल है डबल धमाल या सिंगल धमाल जैसा मजा नहीं देती। ऊटपटांग मूर्खतापूर्ण हरकतें धमाल में भी की थी, लेकिन उनको देख हंसी आती थी। डबल धमाल में भी ऐसी हरकतें हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर वक्त हंसने के बजाय चुपचाप बैठे रहने में गुजर जाता है। कलाकार चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी हंसाने की कोशिश साफ नाकाम नजर आते हैं। निर्देशक इंद्र कुमार की हास्य फिल्मों के प्लस पॉइंट हैं वन लाइनर, चुटकुले नुमा दृश्य, सिचुएशन कॉमेडी। कहानी से ज़्यादा उनका फोकस हास्य दृश्य करने में रहता है, लेकिन डबल धमाल में न केवल कहानी कमजोर है बल्कि इंद्र कुमार अपने प्लस पॉइंट का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाए हैं, लिहाजा बीच बीच में रफ पैचेस आते रहते हैं। फिल्म वहां से शुरू होती है जहां धमाल खत्म हुई थी। राय मानो आदि और बोमन के पास पैसा नहीं है। उनका दुख तब और बढ़ जाता है जब वे कबीर को देखते हैं। कबीर न केवल माला माला है बल्कि कामनी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी उसके पास है। कबीर के पास जाकर चारों उसके पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं। जब नाकाम रहते हैं तो उसे ब्लैकमेलिंग करते हैं, खड़यंत्र रचते हैं, लेकिन कबीर, उसकी बहन किया और कामनी भी बेहद होशियार रहते हैं। उनकी हर चाल का जवाब उनके पास रहता है। एक दूसरे पर भारी कौन साबित होता है या कॉमेडी के साथ फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। धमाल का सुक्कल होना डबल धमाल के लिए माइनस पॉइंट साबित हुआ है। डबल धमाल कुछ कमजोरियों के बावजूद थोड़ा बहुत मनोरंजन करती है, लेकिन ना चाहते हुए कि दोनों फिल्मों में तुलना होती है और पलड़ा धमाल का भारी नजर आता है। दरअसल इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में वो दम नहीं है कि छोटी सी कहानी को लंबा खींचने के बावजूद दर्शकों को बांध कर रखा जा सके। फिल्म में कुछ बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाना निर्देशक की नाकामी को दर्शाता है। रितेश देशमुख को हास्य भूमिका बड़ी सहजता के साथ निभाते हैं से ज़्यादातर समय मिमिक्री करवाई गई है। अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने जरूर अपनी तरफ से कुछ पेश करने की कोशिश की है। आशीष चौधरी तभी अच्छे लगते हैं जब वे चिंपाजी बनते हैं या महिला का रूप धारण करते हैं। संजय दत्त की जो इमेज है उसके अनुरूप भूमिका नहीं लिखी गई। कंगना और मल्लिका को ग्लैमर बढ़ाने के लिए ही रखा गया था। अपने सेक्सी फिगर के बावजूद जलेबी बाई बनी मल्लिका सीलाया मुन्नी जैसा जादू नहीं जगा पाई। संवाद सुनकर हमेशा हंसी आए जरूरी नहीं है। तकनीकी रूप से फिल्म कमजोर नजर आती है। गानों का उपयोग दर्शक ब्रेक लेने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर डबल धमाल धमाल की आधी है। बहुत सारा फालतू समय हो तो इसे देखा जा सकता है। हेलो दोस्तों, अगर आप डबल धमाल मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। अब यूट्यूब वाले क्यों हटा देते हैं ये आपको बताते हैं। जो कंपनियाँ इस मूवी की मालिक हैं वो जो है यूट्यूब पर इसे अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं, और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रही हैं। इसलिए अगर कोई भी इसे अपलोड करता है तो वह यूट्यूब से कहकर इसे हटवा देती हैं। आप क्यों हटवा देते हैं? क्योंकि वे अभी भी अपने साइट पर इसे पैसे लेकर दिखा रही हैं। तो अगर भाई आपको
फुल मूवी देखना है तो आपको पैसे देना होगा। आपको उनकी साइट पर जाकर पैसे देकर आप फुल मूवी देख सकते हैं। बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब पर आप इसके छोटे मोटे पार्ट ही देख पाएंगे। तो दोस्तों आई होप यू आपको इस मूवी से रिलेटेड जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में आपको बताऊँगा इस मूवी की कहानी और इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको ज़रूर सुनने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के निर्माता हैं अशोक ठाकेदरिया, इंद्र कुमार निर्देशक हैं, इंद्र कुमार संगीत है इसमें आनंद राज आनंद का, कलाकार हैं इसमें संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, मल्लिका शेरावत, कंगना, जावेद जफरी, आशीष चौधरी, सतीश कौशिक। यह रिलीज हुई थी 24 जून 2011 को। डबल धमाल मचाने के लिए धमाल के चार जोकर्स राय यानी रितेश देशमुख, मानो यानी जावेद जाफरी, आदि अरशद वारसी और बोमन यानी आशीष चौधरी फिर से आ गए हैं। अभी भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। जितने मूर्ख और बेकार किस्म के वह इंसान धमाल में थे, डबल धमाल में भी वे ऐसे ही हैं। मेहनत करना उनके बस की बात नहीं है, काम के नाम पर पड़े रहना और अच्छी ज़िंदगी के सपने देखना ही उन्होंने किया है। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और उनके पास खूब सारी दौलत हो। एक दिन चारों अपने पुराने दुश्मन भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर कबीर यानी संजय दत्त को देखते हैं और उनकी आँखें फटी रह जाती हैं। कबीर अब पुलिस अफसर नहीं रहा, उसकी लाइफ स्टाइल 5 सितारा है। महंगी कार, शानदार ऑफिस और बड़े से घर में वह अपनी खूबसूरत बीबी कामनी यानी मल्लिका शेरावत के साथ रहता है। कबीर की जिंदगी का यह आलम देख चारों जलने लगते हैं। वे फैसला करते हैं वे कबीर का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाएंगे। उन्हें पता चलता है कि कबीर की इस तरक्की का राज उसकी पत्नी और किया यानी कंगना को ही पाता है। इस राज पर उसे पर्दा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वे कई योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनकी हर ट्रिक नाकाम होती है। कहानी में संधु यानी पाटा भाई, सतीश कौशिक और किंग ऑफ कैसीनो यानी जानी बंजोला भी हैं जो चारों को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। फिल्म में कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे तो हाथ से भरपूर होंगे। अंत में ठहाका लगाने में कौन कामयाब होगा, कबीर या चार जोकर्स, हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए अब थोड़ा निर्देशक के बारे में जान लेते हैं। निर्माता निर्देशक इंद्र कुमार की गिनती उन लोगों में होती है जिन्हें जनता की नब्ज की अच्छी समझ है। इस एक दौर ऐसा था जब इंद्र कुमार ने लायंस सुपरहिट फिल्में दिल 1990, बेटा 1992, राजा 1995, इसको 1997 दी थी। जब मल्टीप्लेक्स का उदय हुआ, लोगों की रुचियाँ बदली तो इंद्र कुमार की कुछ फिल्में असफल रही। बीच बीच में उन्होंने मस्ती 2004 और धमाल 2007 जैसी सफल फिल्में दी। अब धमाल का सिक्वल लेकर आए हैं। इंद्र कुमार महान फिल्में नहीं बनाते, उनकी फिल्में आम लोगों के लिए होती हैं जो सिनेमाघर में अपने दुख को कुछ पलों के लिए भूल जाते हैं और हंसते हुए घर जाते हैं। तो चलिए अब इंडिया टीवी के अनुसार जान लेते हैं कि डबल धमाल में उनकी क्या राय है। डबल धमाल चार जोकर जैसे नौजवानों अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकला है और ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला। डायरेक्टर इंद्र कुमार के डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे लगाते हैं, नाकमुख सिकोड़ते हैं, आंखें मिचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली। गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाई उतारे जमीन पर, काइट्स और गुजारिश जैसी ढेरों फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक तो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है। सेक्रेटरी के रोल में कंगना ने भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के बहस में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। डबल धमाल सिक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार। यह था इंडिया टीवी के अनुसार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी ज्यादा अपडेट्स और जानकारी पाने के लिए। डबल धमाल मचाने के लिए धमाल के चार जोकर्स राय, रितेश देशमुख, मानो यानी जावेद जाफरी, आदि यानी अरशद वारसी और बोमन यानी आशीष चौधरी फिर से आ गए हैं।
अभी भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जितने मूर्ख और बेकार किस्म के इंसान वह धमाल में थे, डबल धमाल में भी वह ऐसे ही हैं। मेहनत करना उनके बस की बात नहीं है, काम के नाम पर पड़े रहना और अच्छी जिंदगी के सपने देखना ही उन्होंने किया है। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और उनके पास खूब सारी दौलत हो। एक दिन चारों अपने पुराने दुश्मन भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर कबीर यानी संजय दत्त को देखते हैं और उनके आंखें फटी रह जाती हैं। कबीर अब पुलिस ऑफिसर नहीं रहा और उसकी लाइफ 5 सितारा है। महंगी कार, शानदार ऑफिस और बड़े से घर में वह अपनी खूबसूरत बीबी कामिनी यानी मल्लिका शेरावत के साथ रहता है। कबीर की जिंदगी का यह आलम देख चारों उससे जलने लगते हैं। वे फैसला करते हैं कि किसी भी तरह से वे कबीर जैसा बनेंगे। वे कबीर का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कबीर की इस तरक्की का राज उसकी पत्नी और किया यानी कंगना को ही पता है। इस राज पर से पर्दा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वे कई योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनकी हर ट्रिक नाकाम होती है। कहानी में संधु यानी बाटा भाई सतीश कौशिक और किंग ऑफ कैसिनो जानी बेंजोला भी हैं, जो चारों को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। फिल्म में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जो हास्य से भरपूर होंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं डबल धमाल क्या धमाल से अच्छी है या नहीं, यानी डबल धमाल में वाक्य में डबल धमाल है या फिर ये हाफ धमाल है, आइए जानते हैं। डबल धमाल चार जोकर जैसे नौजवानों अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकलता है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का सिलसिला। डायरेक्टर इंद्र कुमार की डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं, जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे लगाते हैं, नाक में उसकड़ते हैं, आंखें मीचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फिल्म के बोरिंग फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली। गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाइव, तारे जमी पर, कैट्स और गुजारिश जैसी ढेर सारे फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। हालांकि अंत में फिल्म फिर भी बोर ही होती है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक दो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है। सेक्रेटरी के रोल में कंगना से भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के भेष में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते हैं। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। डबल धमाल सिक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार। यह है दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी। दोस्तों फिल्म के नाम में ही डबल जोड़ देने से सब कुछ डबल नहीं हो जाता। इसकी मिसाल है डबल धमाल या सिंगल धमाल जैसा मजा नहीं देती। ऊटपटांग मूर्खतापूर्ण हरकतें धमाल में भी की थी लेकिन उनको देख हंसी आती थी। डबल धमाल में भी ऐसी हरकतें हैं लेकिन यहाँ ज़्यादातर वक्त हंसने के बजाय चुपचाप बैठे रहने में गुजर जाता है। कलाकार चीखते हैं, चिल्लाते हैं लेकिन उनकी हंसाने की कोशिश साफ नाकाम नजर आते हैं। निर्देशक इंद्र कुमार की हास्य फिल्मों के प्लस पॉइंट हैं वन लाइनर, चुटकुले नुमा दृश्य, सिचुएशन कॉमेडी। कहानी से ज़्यादा उनका फोकस हास्य दृश्य गढ़ने में रहता है, लेकिन डबल धमाल में न केवल कहानी कमजोर है बल्कि इंद्र कुमार अपने प्लस पॉइंट का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाए हैं, लिहाजा बीच बीच में रफ पैचेस आते रहते हैं। फिल्म वहां से शुरू होती है जहां धमाल खत्म हुई थी। राय मानो आदि और बोमन के पास पैसा नहीं है। उनका दुख तब और बढ़ जाता है जब वे कबीर को देखते हैं। कबीर न केवल माला माला है बल्कि कामनी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी उसके पास है। कबीर के पास जाकर चारों उसके पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं। जब नाकाम रहते हैं तो उसे ब्लैकमेलिंग करते हैं।
षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन कबीर उसकी बहन किया और कामनी भी बेहद होशियार रहते हैं। उनकी हर चाल का जवाब उनके पास रहता है। एक दूसरे पर भारी कौन साबित होता है, यह कॉमेडी के साथ फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। धमाल का सुक्कल होना डबल धमाल के लिए माइनस पॉइंट साबित हुआ है। डबल धमाल कुछ कमजोरियों के बावजूद थोड़ा बहुत मनोरंजन करती है, लेकिन ना चाहते हुए कि दोनों फिल्मों में तुलना होती है और पलड़ा धमाल का भारी नजर आता है। दरअसल इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में वो दम नहीं है कि छोटी सी कहानी को लंबा खींचने के बावजूद दर्शकों को बांध कर रखा जा सके। फिल्म में कुछ बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाना निर्देशक की नाकामी को दर्शाता है। रितेश देशमुख को हास्य भूमिका बड़ी सहजता के साथ निभाते हैं, से ज़्यादातर समय मिमिक्री करवाई गई है। अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने जरूर अपनी तरफ से कुछ पेश करने की कोशिश की है। आशीष चौधरी तभी अच्छे लगते हैं जब वे चिंपाजी बनते हैं या महिला का रूप धारण करते हैं। संजय दत्त की जो इमेज है उसके अनुरूप भूमिका नहीं लिखी गई। कंगना और मल्लिका को ग्लैमर बढ़ाने के लिए ही रखा गया था। अपने सेक्सी फिगर के बावजूद जलेबी बाई बनी मल्लिका सीलाया मुन्नी जैसा जादू नहीं जगा पाई। संवाद सुनकर हमेशा हंसी आए जरूरी नहीं है। तकनीकी रूप से फिल्म कमजोर नजर आती है। गानों का उपयोग दर्शक ब्रेक लेने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर डबल धमाल धमाल की आधी है। बहुत सारा फालतू समय हो तो इसे देखा जा सकता है। कहानी हाथ को आया पर मुंह को न लगाया। फिल्म धमाल में कहानी कुछ ऐसे ही मोड़ पर ख़त्म हुई थी जब धमाल में भी आदि यानी अरशद वारसी, मानो जावेद जाफरी राय, रितेश देशमुख और बमन यानी आशीष चौधरी उसी मोड़ पर खड़े दिखाई देते हैं। इन चारों को ज़रूरत है एक बड़े धक्के की जो उनकी नैया पार लगा दे। इन चारों से उस समय रहा नहीं जाता जब इंस्पेक्टर कबीर नायक संजय दत्त को नवाबी ठाठ में देखते हैं। साथ में है कबीर की प्रेमिका यानी कामनी मल्लिका और बहन किया यानी कंगना, जो उसके दो नंबरी कामों में बराबर की पार्टनर हैं। आदि मानो बमन और राय कबीर से आगे निकलने की होड़ में पाटा भाई यानी सतीश कौशिक जैसे गुंडे को अपना दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि कबीर इन चारों के 250 करोड़ हड़प कर भाग जाता है। उसके पीछे पीछे चारों भी मकाऊ चले जाते हैं और भेष बदलकर उसके कैसिनो में काम करने लगते हैं और उसे बर्बाद करने की साजिश रचने लगते हैं। निर्देशक अपने 21 साल के करियर में निर्देशक इंद्र कुमार ने पहली बार किसी फिल्म का सुक्कल बनाया है। इंद्र कुमार की फिल्मों में कहानी और उसे कहने का ढंग निराला होता है। दिल, बेटा, राजा, इश्क और मस्ती सहित कई फिल्मों की कहानियों में ट्विस्ट का दम वह दिखा चुके हैं, लेकिन दमल धमाल की कहानी में वह जलवा ही नहीं है। पहले और दूसरे भाग की कहानी में कोई कनेक्शन नहीं दिखता, सिवाय इसके कि लगभग सारे किरदार रिपीट किए गए हैं। हालांकि पटकथा में उन्हें तुषार हीरानंदिनी का अच्छा साथ मिला है, लेकिन फिल्म में ऐसे कई सीन्स हैं जिन्हें आसानी से किनारे किया जा सकता था। बहरहाल फिल्म में कुछ हिस्सों को उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से ह्यूमर में लपेटा है। अभिनय, पहले भाग की तुलना में संजय दत्त इस बार कम प्रभावी लगते हैं। या तो जाहिर है कि मल्लिका शरावत को एक्टिंग के लिए कम एक्सपोजर के लिए ज़्यादा रखा गया है, कंगना के एक्सेंट में प्रॉब्लम है और उनकी कॉमिक टाइमिंग भी खराब है, खास तौर पर जब सामने अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे कलाकार हो। पूरी फिल्म में अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रितेश देशमुख ने ही बांधे रखा है। बाबा स्टाइल में सतीश कौशिक की भाईगिरी अच्छी है, लेकिन उनके किरदार को साइडलाइन कर दिया गया है। आशीष चौधरी ठीक ठाक हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या है खास। यूँ तो फिल्म के हर दूसरे तीसरे सीन्स में कॉमेडी का तड़का है, फिर भी गोरिल्ला वाला सीन काफ़ी बढ़िया है। बमन के सूजे होंठ, अरशद का सिख स्टाइल और रितेश की मिमिक्री और जावेद का सो क्यूट स्टाइल गुदगुदाने वाले हैं। क्या है बकवास, जिस कहानी में दिमाग ना लगाना पड़े वहाँ कुछ भी हो सकता है। कबीर को राय एंड कंपनी की चालों
का पहले से ही पता होना और सब जानते बूझते बेवकूफ बनना पल्ले नहीं पड़ता। पंचलाइन। फिल्म इस नोट के साथ ख़त्म होती है कि डबल धमाल का भी सीक्वल बनेगा, लेकिन फिल्म देखकर इसकी ज़रूरत महसूस तो नहीं होती। डबल धमाल की कहानी जानदार नहीं है, लेकिन इसमें एंटरटेनमेंट की एक ऐसी मज़ेदार डोज जरूर है जिसे एक बार लेने में कोई बुराई नहीं है। सितारे। संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, कंगना रनौत, मल्लिका शेरावत, सतीश कौशिक आदि। निर्माता अशोक ठकेरिया और इंद्र कुमार। निर्देशक इंद्र कुमार। संगीत आनंद राज आनंद। गीत आनंद राज आनंद और मयूर पुरी। तो चलिए जानते हैं, डबल धमाल का कोई अर्थ तो नहीं है पर यह व्यर्थ भी नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह फिल्म ईमानदारी से हंसाने वाली फिल्म है। दूसरे हिस्से की कुछ गैर जरूरी जोड़बंदियों को छोड़ दे तो इसमें लिखावट, अभिनय, टाइमिंग और सिनेमेटोग्राफी की पैकेजिंग अच्छी है। दर्जा तो इसका भी सड़क छाप ही है, पर इस श्रेणी की हाल में ही आई रेडी, थैंक यू पटियाला हाउस, नो प्रॉब्लम जैसी वजनी नामों और बजट वाली फिल्मों से यह 20 है। कहानी वही धमाल के आगे की 10 करोड़ के खजाने के लिए दौड़ते चार बदमाश देशबंधु रितेश, मानो यानी जावेद और आदि यानी वारसी और बोमन यानी आशीष को उनका ही गुरघंटाला कबीर नायक यानी संजय दत्त बार बार चकमा देता है। इतना सा किस्सा पर चौकड़ी के अभिनेताओं ने जो एक सुर पकड़ा और पकड़ कर रखा है वह फिल्म की जान है। एक ऑर्केस्ट्रा सा बना है, उनका सब शामिल बाजा एक की ऊर्जा को दूसरे आगे बढ़ाता हुआ गंदे तू गंदा, प्यार की कमी ना आए, कमी ना आ गया, कुछ इसी तरह कुदरत ने इन्हें गला भी खोल कर दिया है, जिससे वे फिल्म के भव्य और लाउड मिजाज में खूब योगदान करते हैं। खासकर वारसी, फिल्म की रफ्तार भी दनाती सनसनाती है। दत्त के साथ नथी, मल्लिका और कंगना ग्लैमर घोलते हैं, पर उनके मुंह से तेज संवाद तौबा तौबा, सिनेमेटोग्राफर असीम वजाज ने भव्य लोकेशंस को उनकी ऊंचाई और गहराई में खूबसूरती से उतारा है। अंतिम दृश्य कुछ इस तरह का है जैसे सारे किरदार सर पर धमाल 3 में घुसने जा रहे हैं। डबल धमाल इज एन इंडियन कॉमेडी फिल्म एंड सीक्वल टू द 2007 हिट फिल्म धमाल एंड द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ धमाल फिल्म सीरीज। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार एंड प्रोड्यूस्ड बाय अशोक थकरिया। डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार, प्रोड्यूस्ड बाय अशोक थकरिया इंद्र कुमार। रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले तुषार हीरानंदनी। स्टेरिंग संजय दत्त, कंगना रनौत, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मल्लिका शेरावत। म्यूजिक बाय आनंद राज आनंद। संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी एंड जावेद जाफरी रेफराइज देयर रोल्स फ्रॉम द प्रीवियस फिल्म विद कंगना रनौत एंड मल्लिका शेरावत एज न्यू एडिशन। द थिएट्रिकल ट्रेलर ऑफ द फिल्म वॉज द रिवील्ड ऑन 20 मार्च 2011 अलॉन्ग विद द फिल्म हंटेड। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 24 जून 2011। अपॉन रिलीज द फिल्म रिसीव मिक्सड रिव्यू फ्रॉम क्रिटिकल बर्डवाच। द कमर्शियल हिट एट द बॉक्स ऑफिस। A sequel review title Total Dhamal was the released in February 20, 2009 with the main three cast Deshmukh, Varshi and Jeffrey Refrain. Now we talk about the production. Double Dhamal was released on 24 June 2011 was shot in the Mehboob Studio, Macau and Hong Kong at the मुहूर्त ऑफ द फिल्म। इट वॉज द अनाउंसर डायर रितेश देशमुख, आशीष चौधरी, अरशद वारसी एंड जावेद जाफरी विल बी द रेफराइज देयर रोल्स ऑफ द फ्रेंड अगेन व्हाइल संजय दत्त प्लेज द मिलियनेयर। दिस टाइम द फिल्म फोकस ऑन द फोर फ्रेंड्स ब्लैकमेलिंग द टू सर्ज ऑल फर्दर इन द मोस्ट हरिड ऑलवेज दे ऑन द कांड थिंग ऑफ। The film finished shooting early May 2011 and brought right the remake the song Oi Oi from the 1989 action film. Now I talk about the casting. Earlier actress Vidya Balan and chosen to play the role of Kamini Bhatt report
suggested the refuge and was subsequently replaced by Mallika Shrawat Asin and Kotikal Vasita offered but the role of Kamini M. Kia, but she did not sign the film and because she could not agree with the script. Now talk about the inspection, critical repression. तो आइए दोस्तों जानते हैं डबल धमाल क्या धमाल से अच्छी है या नहीं, यानी डबल धमाल में वाक्यो में डबल धमाल है या फिर ये हाफ धमाल है। आइए जानते हैं डबल धमाल चार जोकर जैसे नौजवानों अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकलता है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का सिलसिला। डायरेक्टर इंद्र कुमार की डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं, जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे लगाते हैं, नाक में उछकड़ते हैं, आंखें मीचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं, लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फिल्म के बोरिंग फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली। गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाइव, तारे जमी पर, कैड्स और गुजारिश जैसी ढेर सारे फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। हालांकि अंत में फिल्म फिर भी बोरिंग हो गई है हालांकि अंत में फिल्म फिर भी बोर ही होती है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक दो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है। सेक्रेटरी के रोल में कंगना से भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के भेष में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते हैं। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। डबल धमाल सिक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार। दोस्तों फिल्म के नाम में ही डबल जोड़ देने से सब कुछ डबल नहीं हो जाता। इसकी मिसाल है डबल धमाल या सिंगल धमाल जैसा मजा नहीं देती। ऊटपटांग मूर्खतापूर्ण हरकतें धमाल में भी की थी, लेकिन उनको देख हंसी आती थी। डबल धमाल में भी ऐसी हरकतें हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर वक्त हंसने के बजाय चुपचाप बैठे रहने में गुजर जाता है। कलाकार चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी हंसाने की कोशिश साफ नाकाम नजर आते हैं। निर्देशक इंद्र कुमार की हास्य फिल्मों के प्लस पॉइंट हैं वन लाइनर, चुटकुले नुमा दृश्य, सिचुएशन कॉमेडी। कहानी से ज़्यादा उनका फोकस हास्य दृश्य करने में रहता है, लेकिन डबल धमाल में न केवल कहानी कमजोर है बल्कि इंद्र कुमार अपने प्लस पॉइंट का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाए हैं, लिहाजा बीच बीच में रफ पैचेस आते रहते हैं। फिल्म वहाँ से शुरू होती है जहाँ धमाल खत्म हुई थी। राय मानो आदि और बोमन के पास पैसा नहीं है। उनका दुख तब और बढ़ जाता है जब वे कबीर को देखते हैं। कबीर न केवल माला माल है बल्कि कामनी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी उसके पास है। कबीर के पास जाकर चारों उसके पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं, जब नाकाम रहते हैं तो उसे ब्लैकमेलिंग करते हैं, खड़यंत्र रचते हैं, लेकिन कबीर उसकी बहन किया और कामनी भी बेहद होशियार रहते हैं। उनकी हर चाल का जवाब उनके पास रहता है। एक दूसरे पर भारी कौन साबित होता है या कमेटी के साथ फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। धमाल का सुक्कल होना डबल धमाल के लिए माइनस पॉइंट साबित हुआ है। डबल धमाल कुछ कमजोरियों के बावजूद थोड़ा बहुत मनोरंजन करती है, लेकिन ना चाहते हुए कि दोनों फिल्मों में तुलना होती है और पलड़ा धमाल का भारी नजर आता है। दरअसल इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में वो दम नहीं है कि छोटी सी कहानी को लंबा खींचने के बावजूद दर्शकों को बांध कर रखा जा सके। फिल्म में कुछ बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाना निर्देशक की नाकामी को दर्शाता है। रितेश देशमुख को हास्य भूमिका बड़ी सहजता के साथ निभाते हैं से ज़्यादातर समय मिमिक्री करवाई गई है।
अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने जरूर अपनी तरफ से कुछ पेश करने की कोशिश की है। आशीष चौधरी तभी अच्छे लगते हैं जब वे चिंपांजी बनते हैं या महिला का रूप धारण करते हैं। संजय दत्त की जो इमेज है उसके अनुरूप भूमिका नहीं लिखी गई। कंगना और मल्लिका को ग्लैमर बढ़ाने के लिए ही रखा गया था। अपने सेक्सी फिगर के बावजूद जलेबी बाई बनी मल्लिका सीलाया मुन्नी जैसा जादू नहीं जगा पाई। संवाद सुनकर हमेशा हंसी आए जरूरी नहीं है। तकनीकी रूप से फिल्म कमजोर नजर आती है। गानों का उपयोग दर्शक ब्रेक लेने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर डबल धमाल धमाल की आधी है। बहुत सारा फालतू समय हो तो इसे देखा जा सकता है। हेलो दोस्तों, अगर आप डबल धमाल मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। अब यूट्यूब वाले क्यों हटा देते हैं ये आपको बताते हैं। जो कंपनियाँ इस मूवी की मालिक हैं वो जो है यूट्यूब पर इसे अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रही हैं। इसलिए अगर कोई भी इसे अपलोड करता है तो वह यूट्यूब से कहकर इसे हटवा देती हैं। आप क्यों हटवा देते हैं? क्योंकि वे अभी भी अपने साइट पर इसे पैसे लेकर दिखा रही हैं। तो अगर भाई आपको फुल मूवी देखना है तो आपको पैसे देना होगा। आपको उनकी साइट पर जाकर पैसे देकर आप फुल मूवी देख सकते हैं। बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब पर आप इसके छोटे मोटे पार्ट ही देख पाएंगे। तो दोस्तों आई होप यू आपको इस मूवी से रिलेटेड जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी की कहानी और इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको जरूर सुनने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के निर्माता हैं अशोक ठाकेदरिया, इंद्र कुमार निर्देशक हैं, इंद्र कुमार संगीत है इसमें आनंद राज आनंद का, कलाकार हैं इसमें संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, मल्लिका शेरावत, कंगना, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी, सतीश कौशिक। यह रिलीज हुई थी 24 जून 2011 को। डबल धमाल मचाने के लिए धमाल के चार जोकर्स राय यानी रितेश देशमुख, मानव यानी जावेद जाफरी, आदि अरशद वारसी और बोमन यानी आशीष चौधरी फिर से आ गए हैं। अभी भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। जितने मूर्ख और बेकार किस्म के वह इंसान धमाल में थे, डबल धमाल में भी वे ऐसे ही हैं। मेहनत करना उनके बस की बात नहीं है। काम के नाम पर पड़े रहना और अच्छी ज़िंदगी के सपने देखना ही उन्होंने किया है। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और उनके पास खूब सारी दौलत हो। एक दिन चारों अपने पुराने दुश्मन भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर कबीर यानी संजय दत्त को देखते हैं और उनकी आँखें फटी रह जाती हैं। कबीर अब पुलिस अफसर नहीं रहा, उसकी लाइफ स्टाइल 5 सितारा है। महंगी कार, शानदार ऑफिस और बड़े से घर में वह अपनी खूबसूरत बीबी कामनी यानी मल्लिका शेरावत के साथ रहता है। कबीर की जिंदगी का यह आलम देख चारों जलने लगते हैं। वे फैसला करते हैं वे कबीर का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाएंगे। उन्हें पता चलता है कि कबीर की इस तरक्की का राज उसकी पत्नी और किया यानी कंगना को ही पाता है। इस राज पर उसे पर्दा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वे कई योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनकी हर ट्रिक नाकाम होती है। कहानी में संधू यानी बाटा भाई, सतीश कौशिक और किंग ऑफ कैसिनो यानी जानी बंजोला भी हैं जो चारों को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। फिल्म में कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे तो हाथ से भरपूर होंगे। अंत में ठहाका लगाने में कौन कामयाब होगा, कबीर या चार जोकर्स, हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए अब थोड़ा निर्देशक के बारे में जान लेते हैं। निर्माता निर्देशक इंद्र कुमार की गिनती उन लोगों में होती है जिन्हें जनता की नब्ज की अच्छी समझ है। इस एक दौर ऐसा था जब इंद्र कुमार ने लायंस सुपरहिट फिल्में दिल 1990, बेटा 1992, राजा 1995, इश्क 1997 दी थी। जब मल्टीप्लेक्स का उदय हुआ, लोगों की रुचियाँ बदली तो इंद्र कुमार की कुछ फिल्में असफल रही। बीच बीच में उन्होंने मस्ती 2004 और धमाल 2007 जैसी सफल फिल्में दी। अब धमाल का सिक्वल लेकर आए हैं। इंद्र कुमार महान फिल्में नहीं बनाते, उनकी फिल्में आम लोगों के लिए होती हैं जो सिनेमाघर में अपने दुख को कुछ पलों के लिए भूल जाते हैं और हंसते हुए घर जाते हैं। तो चलिए अब इंडिया टीवी के अनुसार जान लेते हैं कि डबल धमाल में उनकी क्या राय है। डबल धमाल चार जोकर जैसे नौजवानों अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकला है और ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला। डायरेक्टर इंद्र कुमार की डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे
लगाते हैं, नाक मुख सिकोड़ते हैं, आंखें मिचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं, लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली। गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाई उतारे जमी पर, काइट्स और गुजारिश जैसी ढेरों फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक दो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है। सेक्रेटरी के रोल में कंगना ने भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के बहस में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। डबल धमाल सिक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। इनके लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार। ये था इंडिया टीवी के अनुसार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी ज्यादा अपडेट्स और जानकारी पाने के लिए। डबल धमाल मचाने के लिए धमाल के 4 जोकर्स राय, रितेश देशमुख, मानो यानी जावेद जाफरी, आदि यानी अरशद वारसी और बोमन यानी आशीष चौधरी फिर से आ गए हैं। अभी भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जितने मूर्ख और बेकार किस्म के इंसान वे धमाल में थे, डबल धमाल में भी वे ऐसे ही हैं। मेहनत करना उनके बस की बात नहीं है, काम के नाम पर पड़े रहना और अच्छी ज़िंदगी के सपने देखना ही उन्होंने किया है। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और उनके पास खूब सारी दौलत हो। एक दिन चारों अपने पुराने दुश्मन भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर कबीर यानी संजय दत्त को देखते हैं और उनके आंखें फटी रह जाती हैं। कबीर अब पुलिस ऑफिसर नहीं रहा और उसकी लाइफ 5 सितारा है। महंगी कार, शानदार ऑफिस और बड़े से घर में वह अपनी खूबसूरत बीबी कामनी यानी मल्लिका शेरावत के साथ रहता है। कबीर की जिंदगी का यह आलम देख चारों उससे जलने लगते हैं। वे फैसला करते हैं कि किसी भी तरह से वे कबीर जैसा बनेंगे। वे कबीर का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कबीर की इस तरक्की का राज उसकी पत्नी और किया यानी कंगना को ही पता है। इस राज पर से पर्दा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वे कई योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनकी हर ट्रिक नाकाम होती है। कहानी में संधु यानी बाटा भाई, सतीश कौशिक और किंग ऑफ कैसिनो जानी बेंजोला भी हैं, जो चारों को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। फिल्म में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जो हास्य भरपूर होंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं डबल धमाल क्या धमाल से अच्छी है या नहीं, यानी डबल धमाल में वाक्यों में डबल धमाल है या फिर ये हाफ धमाल है, आइए जानते हैं। डबल धमाल 4 जोकर जैसे नौजवानों अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकलता है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का सिलसिला। डायरेक्टर इंद्र कुमार की डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं, जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे लगाते हैं, नाक में सिकोड़ते हैं, आंखें मिचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं, लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फिल्म के बोरिंग फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली। गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाइव, तारे जमी पर, कैट्स और गुजारिश जैसी ढेर सारे फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। हालांकि अंत में फिल्म फिर भी बोर ही होती है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक दो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है। सेक्रेटरी के रोल में कंगना से भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के भेष में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते हैं। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। डबल धमाल सिक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार।
यह है दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी। दोस्तों फिल्म के नाम में ही डबल जोर देने से सब कुछ डबल नहीं हो जाता। इसकी मिसाल है डबल धमाल या सिंगल धमाल जैसा मजा नहीं देती। ऊट पटांग मूर्खतापूर्ण हरकतें धमाल में भी की थी लेकिन उनको देख हंसी आती थी। डबल धमाल में भी ऐसी हरकतें हैं लेकिन यहाँ ज़्यादातर वक्त हंसने के बजाय चुपचाप बैठे रहने में गुजर जाता है। कलाकार चीखते हैं चिल्लाते हैं लेकिन उनकी हंसाने की कोशिश साफ नाकाम नजर आते हैं। निर्देशक इंद्र कुमार की हास्य फिल्मों के प्लस पॉइंट हैं वन लाइनर, चुटकुले नुमा दृश्य, सिचुएशन कॉमेडी। कहानी से ज़्यादा उनका फोकस हास्य दृश्य गढ़ने में रहता है। लेकिन डबल धमाल में न केवल कहानी कमजोर है बल्कि इंद्र कुमार अपने प्लस पॉइंट का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाए हैं, लिहाजा बीच बीच में रफ पैचेस आते रहते हैं। फिल्म वहां से शुरू होती है जहां धमाल खत्म हुई थी। राय मानो आदि और बोमन के पास पैसा नहीं है। उनका दुख तब और बढ़ जाता है जब वे कबीर को देखते हैं। कबीर न केवल माला माल है बल्कि कामनी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी उसके पास है। कबीर के पास जाकर चारों उसके पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं। जब नाकाम रहते हैं तो उसे ब्लैकमेलिंग करते हैं, खड़यंत्र रचते हैं। लेकिन कबीर उसकी बहन किया और कामनी भी बेहद होशियार रहते हैं। उनकी हर चाल का जवाब उनके पास रहता है। एक दूसरे पर भारी कौन साबित होता है यह कॉमेडी के साथ फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। धमाल का सुकल होना डबल धमाल के लिए माइनस पॉइंट साबित हुआ है। डबल धमाल कुछ कमजोरियों के बावजूद थोड़ा बहुत मनोरंजन करती है लेकिन ना चाहते हुए कि दोनों फिल्मों में तुलना होती है और पलड़ा धमाल का भारी नजर आता है। दरअसल इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में वो दम नहीं है कि छोटी सी कहानी को लंबा खींचने के बावजूद दर्शकों को बांध कर रखा जा सके। फिल्म में कुछ बेहतरीन कलाकार हैं लेकिन इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाना निर्देशक की नाकामी को दर्शाता है। रितेश देशमुख को हास्य भूमिका बड़ी सहजता के साथ निभाते हैं से ज़्यादातर समय मिमिक्री करवाई गई है। अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने जरूर अपनी तरफ से कुछ पेश करने की कोशिश की है। आशीष चौधरी तभी अच्छे लगते हैं जब वे चिंपाजी बनते हैं या महिला का रूप धारण करते हैं। संजय दत्त की जो इमेज है उसके अनुरूप भूमिका नहीं लिखी गई। कंगना और मल्लिका को ग्लैमर बढ़ाने के लिए ही रखा गया था। अपने सेक्सी फिगर के बावजूद जलेबी बाई बनी मल्लिका शीला या मुन्नी जैसा जादू नहीं जगा पाई। संवाद सुनकर हमेशा हंसी आए जरूरी नहीं है। तकनीकी रूप से फिल्म कमजोर नजर आती है। गानों का उपयोग दर्शक ब्रेक लेने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर डबल धमाल धमाल की आधी है। बहुत सारा फालतू समय हो तो इसे देखा जा सकता है। कहानी हाथ को आया पर मुंह को न लगाया। फिल्म धमाल में कहानी कुछ ऐसे ही मोड़ पर ख़त्म हुई थी जब धमाल में भी आदि यानी अरशद वारसी, मानो जावेद जाफरी, राय, रितेश देशमुख और बमन यानी आशीष चौधरी उसी मोड़ पर खड़े दिखाई देते हैं। इन चारों को ज़रूरत है एक बड़े धक्के की जो उनकी नैया पार लगा दे। इन चारों से उस समय रहा नहीं जाता जब इंस्पेक्टर कबीर नायक संजय दत्त को नवाबी ठाठ में देखते हैं। साथ में है कबीर की प्रेमिका यानी कामनी, मल्लिका और बहन किया यानी कंगना जो उसके दो नंबरी कामों में बराबर की पार्टनर है। आदि मानो बमन और राय कबीर से आगे निकलने की होड़ में बाटा भाई यानी सतीश कौशिक जैसे गुंडे को अपना दुश्मन बना लेते हैं क्योंकि कबीर इन चारों के 250 करोड़ हड़प कर भाग जाता है। उसके पीछे पीछे चारों भी मकाऊ चले जाते हैं और भेष बदलकर उसके कैसनों में काम करने लगते हैं और उसे बर्बाद करने की साजिश रचने लगते हैं। निर्देशक अपने 21 साल के करियर में निर्देशक इंद्र कुमार ने पहली बार किसी फिल्म का सुकल बनाया है। इंद्र कुमार की फिल्मों में कहानी और उसे कहने का ढंग निराला होता है। दिल, बेटा, राजा, इश्क और मस्ती सहित कई फिल्मों की कहानियों में ट्विस्ट का दम वह दिखा चुके हैं लेकिन डबल धमाल की कहानी में वो जलवा ही नहीं है। पहले और दूसरे भाग की कहानी में कोई कनेक्शन नहीं दिखता सिवाय इसके कि लगभग सारे किरदार रिपीट किए गए हैं। हालांकि पटकथा में उन्हें
तुषार हीरानंदिनी का अच्छा साथ मिला है, लेकिन फिल्म में ऐसे कई सीन्स हैं जिन्हें आसानी से किनारे किया जा सकता था। बहरहाल फिल्म में कुछ हिस्सों को उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से ह्यूमर में लपेटा है। अभिनय, पहले भाग की तुलना में संजय दत्त इस बार कम प्रभावी लगते हैं। या तो जाहिर है कि मल्लिका शरावत को एक्टिंग के लिए कम एक्सपोजर के लिए ज़्यादा रखा गया है, कंगना के एक्सेंट में प्रॉब्लम है और उनकी कॉमिक टाइमिंग भी खराब है, खास तौर पर जब सामने अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे कलाकार हो। पूरी फिल्म में अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रितेश देशमुख ने ही बांधे रखा है। बाबा स्टाइल में सतीश कौशिक की भाईगिरी अच्छी है, लेकिन उनके किरदार को साइडलाइन कर दिया गया है। आशीष चौधरी ठीक ठाक हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या है खास। ये तो फिल्म के हर दूसरे तीसरे सीन्स में कॉमेडी का तड़का है, फिर भी गोरिल्ला वाला सीन काफ़ी बढ़िया है। बमन के सूजे होंठ, अरशद का सिख स्टाइल और रितेश की मिमिक्री और जावेद का सो क्यूट स्टाइल गुदगुदाने वाले हैं। क्या है बकवास, जिस कहानी में दिमाग ना लगाना पड़े वहाँ कुछ भी हो सकता है। कबीर को राय एंड कंपनी की चालों का पहले से ही पता होना और सब जानते बूझते बेवकूफ बनना पल्ले नहीं पड़ता। पंचलाइन, फिल्म इस नोट के साथ ख़त्म होती है कि डबल धमाल का भी सीक्वल बनेगा, लेकिन फिल्म देखकर इसकी ज़रूरत महसूस तो नहीं होती। डबल धमाल की कहानी जानदार नहीं है, लेकिन इसमें एंटरटेनमेंट की एक ऐसे मज़ेदार डोज जरूर है जिसे एक बार लेने में कोई बुराई नहीं है। सितारे, संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, कंगना रनौत, मल्लिका शरावत, सतीश कौशिक आदि। निर्माता अशोक ठकेरिया और इंद्र कुमार। निर्देशक इंद्र कुमार। संगीत आनंद राज आनंद। गीत आनंद राज आनंद और मयूर पुरी। तो चलिए जानते हैं, डबल धमाल का कोई अर्थ तो नहीं है पर यह व्यर्थ भी नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह फिल्म ईमानदारी से हंसाने वाली फिल्म है। दूसरे हिस्से की कुछ गैर जरूरी जोड़बंदियों को छोड़ दे तो इसमें लिखावट, अभिनय, टाइमिंग और सिनेमेटोग्राफी की पैकेजिंग अच्छी है। दर्जा तो इसका भी सड़क छाप ही है, पर इस श्रेणी की हाल में ही आई रेडी, थैंक यू पटियाला हाउस, नो प्रॉब्लम जैसी वजनी नामों और बजट वाली फिल्मों से यह 20 है। कहानी वही धमाल के आगे की 10 करोड़ के खजाने के लिए दौड़ते चार बदमाश देश बंधु रितेश, मानो यानी जावेद और आदि यानी वारसी और बोमन यानी आशीष को उनका ही गुरघंटाला कबीर नायक यानी संजय दत्त बार बार चकमा देता है। इतना सा किस्सा पर चौकड़ी के अभिनेताओं ने जो एक सुर पकड़ा और पकड़ कर रखा है वह फिल्म की जान है। एक आर्केस्ट्रा सा बना है, उनका सब शामिल बाजा एक की ऊर्जा को दूसरे आगे बढ़ाता हुआ, गंदे तो गंदा, प्यार की कमी ना आए, कमी ना आ गया, कुछ इसी तरह कुदरत ने इन्हें गला भी खोल कर दिया है, जिससे वे फिल्म के भव्य और लाउड मिजाज में खूब योगदान करते हैं। खासकर वारसी, फिल्म की रफ्तार भी दनाती सनसनाती है। दत्त के साथ नथी मल्लिका और कंगना ग्लैमर घोलती हैं, पर उनके मुंह से तेज संवाद तौबा तौबा। सिनेमेटोग्राफर असीम वजाज ने भव्य लोकेशंस को उनकी ऊंचाई और गहराई में खूबसूरती से उतारा है। अंतिम दृश्य कुछ इस तरह का है जैसे सारे किरदार सर पर धमाल 3 में घुसने जा रहे हैं। डबल धमाल इज एन इंडियन कॉमेडी फिल्म एंड सीक्वल टू द 2007 हिट फिल्म धमाल एंड द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ धमाल फिल्म सीरीज। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार एंड प्रोड्यूस्ड बाय अशोक थकरिया। डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार, प्रोड्यूस्ड बाय अशोक थकरिया इंद्र कुमार। रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले तुषार हीरानंदिनी। स्टेयरिंग संजय दत्त, कंगना रनौत, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मल्लिका शरावत। म्यूजिक बाय आनंद राज आनंद। संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी एंड जावेद जाफरी रेफराइज देयर रोल्स फ्रॉम द प्रीवियस फिल्म विद कंगना रनौत एंड मल्लिका शरावत एज न्यू एडिशन। द थिएट्रिकल ट्रेलर ऑफ द फिल्म वॉज द रिवेल्ड आर्ट 20 मार्च 2011 अलॉन्ग विद द फिल्म हंटेड। द फिल्म
released on 24 June 2011. Upon release, the film received mixed reviews from critical but was a commercial hit at the box office. A sequel reboot title, Total Dhamal, was the released in February 2009 with the main three cast, Deshmukh, Varshi and Jeffrey Rifkin. Now we talk about the production. Double Dhamal, which was released on 24 June 2011, was shot in the Mehboob Studio, Macau and Hong Kong. At the muhurat of the film, it was the announcer director Deshmukh, Ashish Chaudhary, Arshad Varshi and Javed Jaffery will be the reprise their roles of the friend again, while Sanjay Dutt plays the millionaire. This time the film focused on the four friends blackmailing the two Sharja all further in the most hilarious always they on the can think of. The film finished shooting early May 2011 and brought right the remake the song Oi Oi from the 1989 action film. Now I talk about the casting. Earlier actress Vidya Balan and chosen to play the role of Kamini but report suggested the refuse and was substantially replaced by Mallika Shrawat Asin and Kotikal was the offered but the role of Kamini Amkia, but she did not sign the film and because she could not agree with the script. Now talk about the reception, critical reception. तो आइए दोस्तों जानते हैं डबल धमाल क्या धमाल से अच्छी है या नहीं, यानी डबल धमाल में वाक्यों में डबल धमाल है या फिर ये हाफ धमाल है, आइए जानते हैं। डबल धमाल चार जोकर जैसे नौजवानों अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकलता है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का सिलसिला। डायरेक्टर इंद्र कुमार की डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं, जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे लगाते हैं, नाक में उसकड़ते हैं, आंखें मीचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं, लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फिल्म के बोरिंग फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली। गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाइव, तारे जमी पर, कैड्स और गुजारिश जैसी ढेर सारे फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। हालांकि अंत में फिर भी बोरिंग हो गई है हालांकि अंत में फिल्म फिर भी बोर ही होती है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक दो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है। सेक्रेटरी के रोल में कंगना से भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के भेष में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते हैं। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। डबल धमाल सीक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार। दोस्तों फिल्म के नाम में ही डबल जोर देने से सब कुछ डबल नहीं हो जाता, इसकी मिसाल है डबल धमाल या सिंगल धमाल जैसा मजा नहीं देती। ऊटपटांग मूर्खतापूर्ण हरकतें धमाल में भी की थी, लेकिन उनको देख हंसी आती थी। डबल धमाल में भी ऐसी हरकतें हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर वक्त हंसने के बजाय चुपचाप बैठे रहने में गुजर जाता है। कलाकार चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी हंसाने की कोशिश साफ नाकाम नजर आते हैं। निर्देशक इंद्र कुमार की हास्य फिल्मों के प्लस पॉइंट हैं वन लाइनर, चुटकुले नुमा दृश्य, सिचुएशन कॉमेडी। कहानी से ज़्यादा उनका फोकस हास्य दृश्य गढ़ने में रहता है, लेकिन डबल धमाल में न केवल कहानी कमजोर है बल्कि इंद्र कुमार अपने प्लस पॉइंट का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाए हैं, लिहाजा बीच बीच में रफ पैचेस आते रहते हैं।
फिल्म वहां से शुरू होती है जहां धमाल खत्म हुई थी। राय, मानव, आदि और बोमन के पास पैसा नहीं है। उनका दुख तब और बढ़ जाता है जब वे कबीर को देखते हैं। कबीर न केवल माला माल है बल्कि कामनी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी उसके पास है। कबीर के पास जाकर चारों उसके पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं। जब नाकाम रहते हैं तो उसे ब्लैकमेलिंग करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन कबीर, उसकी बहन किया और कामनी भी बेहद होशियार रहते हैं। उनकी हर चाल का जवाब उनके पास रहता है। एक दूसरे पर भारी कौन साबित होता है, या कॉमेडी के साथ फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। धमाल का सुक्कल होना डबल धमाल के लिए माइनस पॉइंट साबित हुआ है। डबल धमाल कुछ कमजोरियों के बावजूद थोड़ा बहुत मनोरंजन करती है, लेकिन ना चाहते हुए कि दोनों फिल्मों में तुलना होती है और पलड़ा धमाल का भारी नजर आता है। दरअसल इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में वो दम नहीं है कि छोटी सी कहानी को लंबा खींचने के बावजूद दर्शकों को बांध कर रखा जा सके। फिल्म में कुछ बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाना निर्देशक की नाकामी को दर्शाता है। रितेश देशमुख को हास्य भूमिका बड़ी सहजता के साथ निभाते हैं से ज़्यादातर समय मिमिक्री करवाई गई है। अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने जरूर अपनी तरफ से कुछ पेश करने की कोशिश की है। आशीष चौधरी तभी अच्छे लगते हैं जब वे चिंपांजी बनते हैं या महिला का रूप धारण करते हैं। संजय दत्त की जो इमेज है उसके अनुरूप भूमिका नहीं लिखी गई। कंगना और मल्लिका को ग्लैमर बढ़ाने के लिए ही रखा गया था। अपने सेक्सी फिगर के बावजूद जलेबी बाई बनी मल्लिका शीला या मुन्नी जैसा जादू नहीं जगा पाई। संवाद सुनकर हमेशा हंसी आए जरूरी नहीं है। तकनीकी रूप से फिल्म कमजोर नजर आती है। गानों का उपयोग दर्शक ब्रेक लेने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर डबल धमाल धमाल की आधी है। बहुत सारा फालतू समय हो तो इसे देखा जा सकता है। हेलो दोस्तों, अगर आप डबल धमाल मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। अब यूट्यूब वाले क्यों हटा देते हैं, ये आपको बताते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो जो है यूट्यूब पर इसे अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं, और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रही हैं। इसलिए अगर कोई भी इसे अपलोड करता है तो वह यूट्यूब से कहकर इसे हटवा देती हैं। आप क्यों हटवा देते हैं, क्योंकि वे अभी भी अपने साइट पर इसे पैसे लेकर दिखा रही हैं। तो अगर भाई आपको फुल मूवी देखना है तो आपको पैसे देना होगा। आपको उनकी साइट पर जाकर पैसे देकर आप फुल मूवी देख सकते हैं। बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब पर आप इसके छोटे मोटे पार्ट ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप यू आपको इस मूवी से रिलेटेड जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी की कहानी और इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको जरूर सुनने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म के निर्माता हैं अशोक ठाकेदरिया, इंद्र कुमार निर्देशक हैं, इंद्र कुमार संगीत है इसमें, आनंद राज आनंद का कलाकार है इसमें, संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, मल्लिका शेरावत, कंगना, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी, सतीश कौशिक। यह रिलीज हुई थी 24 जून 2011 को। डबल धमाल मचाने के लिए धमाल के चार जोकर्स राय यानी रितेश देशमुख, मानो यानी जावेद जाफरी, आदि अरशद वारसी और बोमन यानी आशीष चौधरी फिर से आ गए हैं। अभी भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। जितने मूर्ख और बेकार किस्म के वे इंसान धमाल में थे, डबल धमाल में भी वे ऐसे ही हैं। मेहनत करना उनके बस की बात नहीं है। काम के नाम पर पड़े रहना और अच्छी ज़िंदगी के सपने देखना ही उन्होंने किया है। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और उनके पास खूब सारी दौलत हो। एक दिन चारों अपने पुराने दुश्मन भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर कबीर यानी संजय दत्त को देखते हैं और उनकी आँखें फटी रह जाती हैं। कबीर अब पुलिस अफसर नहीं रहा, उसकी लाइफ स्टाइल 5 सितारा है। महंगी कार, शानदार ऑफिस और बड़े से घर में वह अपनी खूबसूरत बीबी कामनी यानी मल्लिका शेरावत के साथ रहता है। कबीर की जिंदगी का यह आलम देख चारों जलने लगते हैं। वे फैसला करते हैं वे कबीर का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाएंगे। उन्हें पता चलता है कि कबीर की इस तरक्की का राज उसकी पत्नी और किया यानी कंगना को ही पाता है। इस राज पर उसे पर्दा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वे कई योजनाएँ बनाते हैं लेकिन उनकी हर ट्रिक नाकाम होती है। कहानी में संधु यानी बाटा भाई, सतीश कौशिक और किंग ऑफ कैसिनो यानी जानी बंजोला भी हैं।
जो चारों को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। फिल्म में कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे तो हाथ से भरपूर होंगे। अंत में ठहाका लगाने में कौन कामयाब होगा, कबीर या चार जोकर्स, हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए अब थोड़ा निर्देशक के बारे में जान लेते हैं। निर्माता निर्देशक इंद्र कुमार की गिनती उन लोगों में होती है जिन्हें जनता की नब्ज की अच्छी समझ है। इस एक दौर ऐसा था जब इंद्र कुमार ने लायंस सुपरहिट फिल्में दिल 1990, बेटा 1992, राजा 1995, इश्क 1997 दी थी। जब मल्टीप्लेक्स का उदय हुआ, लोगों की रुचियाँ बदली तो इंद्र कुमार की कुछ फिल्में असफल रही। बीच बीच में उन्होंने मस्ती 2004 और धमाल 2007 जैसी सफल फिल्में दी। अब धमाल का सिक्वल लेकर आए हैं। इंद्र कुमार महान फिल्में नहीं बनाते, उनकी फिल्में आम लोगों के लिए होती हैं जो सिनेमाघर में अपने दुख को कुछ पलों के लिए भूल जाते हैं और हंसते हुए घर जाते हैं। तो चलिए अब इंडिया टीवी के अनुसार जान लेते हैं कि डबल धमाल में उनकी क्या राय है। डबल धमाल चार जोकर जैसे नौजवानों अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकला है और ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला। डायरेक्टर इंद्र कुमार के डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं, जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे लगाते हैं, नाक मुख सिकोड़ते हैं, आंखें मिचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं, लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली। गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाई उतारे जमीन पर, काइट्स और गुजारिश जैसी ढेरों फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक दो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है। सेक्रेटरी के रोल में कंगना ने भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के बहस में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। डबल धमाल सिक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार। ये था इंडिया टीवी के अनुसार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी ज्यादा अपडेट्स और जानकारी पाने के लिए। डबल धमाल मचाने के लिए धमाल के चार जोकर्स राय रितेश देशमुख, मानो यानी जावेद जाफरी, आदि यानी अरशद वारसी और बोमन यानी आशीष चौधरी फिर से आ गए हैं। अभी भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जितने मूर्ख और बेकार किस्म के इंसान वह धमाल में थे, डबल धमाल में भी वह ऐसे ही हैं। मेहनत करना उनके बस की बात नहीं है, काम के नाम पर पड़े रहना और अच्छी ज़िंदगी के सपने देखना ही उन्होंने किया है। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और उनके पास खूब सारी दौलत हो। एक दिन चारों अपने पुराने दुश्मन भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर कबीर यानी संजय दत्त को देखते हैं और उनके आंखें फटी रह जाती हैं। कबीर अब पुलिस ऑफिसर नहीं रहा और उसकी लाइफ 5 सितारा है। महंगी कार, शानदार ऑफिस और बड़े से घर में वह अपनी खूबसूरत बीबी कामिनी यानी मल्लिका शेरावत के साथ रहता है। कबीर की जिंदगी का यह आलम देख चारों उससे जलने लगते हैं। वे फैसला करते हैं कि किसी भी तरह से वे कबीर जैसा बनेंगे। वे कबीर का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कबीर की इस तरक्की का राज उसकी पत्नी और किया यानी कंगना को ही पता है। इस राज पर से पर्दा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वे कई योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनकी हर ट्रिक नाकाम होती है। कहानी में संधु यानी बाटा भाई, सतीश कौशिक और किंग ऑफ कैसिनो जानी बेंजोला भी हैं, जो चारों को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। फिल्म में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जो हाथ से भरपूर होंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं डबल धमाल क्या धमाल से अच्छी है या नहीं, यानी डबल धमाल में वाक्यों में डबल धमाल है या फिर ये हाफ धमाल है, आइए जानते हैं। डबल धमाल चार जोकर जैसे नौजवानों, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख और आशीष चौधरी की कहानी है। संजय दत्त यानी कबीर एक जालसाज है जो इन चारों को उल्लू बनाकर पैसा लेकर भाग निकलता है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। चारों अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने कबीर के पास पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला।
डायरेक्टर इंद्र कुमार के डबल धमाल के कैरेक्टर दरअसल कार्टून फिल्मों के कैरेक्टर की तरह हैं, जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, पकड़कर चांटे लगाते हैं, नाक में उसकड़ते हैं, आंखें मिचते हैं, फिल्म स्टार की मिमिक्री करते हैं, लेकिन फिर भी हंसा नहीं पाते। फिल्म के बोरिंग फर्स्ट हाफ ने मेरे सब्र का काफ़ी इम्तिहान ले लिया था, सो जैसे तैसे सेकंड हाफ देखने की हिम्मत जुटाई और शुक्र है यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म थोड़ी बहुत संभाल ली। गोरिल्ले से लड़ते और गोल्फ खेलते कैरेक्टर्स के कुछ अच्छे कॉमिक सीन हैं। पीपली लाइव, तारे जमी पर, कैड्स और गुजारिश जैसी ढेर सारे फिल्मों का खूब अच्छे से मजाक उड़ाया गया है। हालांकि अंत में फिल्म फिर भी बोर ही होती है। मल्लिका शेरावत का स्पेशलाइजेशन कुछ और ही तरह की फिल्मों में है, इसलिए एक दो डांस नंबर करवा कर उन्हें साइडलाइन कर देना अखरता नहीं है, लेकिन अरशद वारसी और जावेद जाफरी को बेस्ट करने पर तरस आता है। सेक्रेटरी के रोल में कंगना से भी बेहतर काम कराया जा सकता था। लड़की के भेष में आशीष चौधरी जरा भी नहीं जमते हैं। डबल धमाल माइंडलेस कॉमेडी है जिसमें कहानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। डबल धमाल सीक्वल है करीब 4 साल पहले रिलीज हुई धमाल का, लेकिन इसकी लचर कॉमेडी देखकर कहना पड़ेगा इसका नाम हाफ धमाल होना चाहिए था। फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार। यह है दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी। दोस्तों फिल्म के नाम में ही डबल जोर देने से सब कुछ डबल नहीं हो जाता। इसकी मिसाल है डबल धमाल या सिंगल धमाल जैसा मजा नहीं देती। ऊटपटांग मूर्खतापूर्ण हरकतें धमाल में भी की थी, लेकिन उनको देख हंसी आती थी। डबल धमाल में भी ऐसी हरकतें हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर वक्त हंसने के बजाय चुपचाप बैठे रहने में गुजर जाता है। कलाकार चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी हंसाने की कोशिश साफ नाकाम नजर आते हैं। निर्देशक इंद्र कुमार की हास्य फिल्मों के प्लस पॉइंट हैं वन लाइनर, चुटकुले नुमा दृश्य, सिचुएशन कॉमेडी। कहानी से ज़्यादा उनका फोकस हास्य दृश्य करने में रहता है, लेकिन डबल धमाल में न केवल कहानी कमजोर है बल्कि इंद्र कुमार अपने प्लस पॉइंट का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाए हैं, लिहाजा बीच बीच में रफ पैचेस आते रहते हैं। फिल्म वहाँ से शुरू होती है जहाँ धमाल खत्म हुई थी। राय मानो आदि और बोमन के पास पैसा नहीं है। उनका दुख तब और बढ़ जाता है जब वे कबीर को देखते हैं। कबीर न केवल माला माल है बल्कि कामनी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी उसके पास है। कबीर के पास जाकर चारों उसके पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं। जब नाकाम रहते हैं तो उसे ब्लैकमेलिंग करते हैं, खड़यंत्र रचते हैं, लेकिन कबीर, उसकी बहन किया और कामनी भी बेहद होशियार रहते हैं। उनकी हर चाल का जवाब उनके पास रहता है। एक दूसरे पर भारी कौन साबित होता है या कॉमेडी के साथ फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। धमाल का सुक्कल होना डबल धमाल के लिए माइनस पॉइंट साबित हुआ है। डबल धमाल कुछ कमजोरियों के बावजूद थोड़ा बहुत मनोरंजन करती है, लेकिन ना चाहते हुए कि दोनों फिल्मों में तुलना होती है और पलड़ा धमाल का भारी नजर आता है। दरअसल इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में वो दम नहीं है कि छोटी सी कहानी को लंबा खींचने के बावजूद दर्शकों को बांध कर रखा जा सके। फिल्म में कुछ बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाना निर्देशक की नाकामी को दर्शाता है। रितेश देशमुख को हास्य भूमिका बड़ी सहजता के साथ निभाते हैं से ज़्यादातर समय मिमिक्री करवाई गई है। अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने जरूर अपनी तरफ से कुछ पेश करने की कोशिश की है। आशीष चौधरी तभी अच्छे लगते हैं जब वे चिंपाजी बनते हैं या महिला का रूप धारण करते हैं। संजय दत्त की जो इमेज है उसके अनुरूप भूमिका नहीं लिखी गई। कंगना और मल्लिका को ग्लैमर बढ़ाने के लिए ही रखा गया था। अपने सेक्सी फिगर के बावजूद जलेबी बाई बनी मल्लिका सीलाया मुन्नी जैसा जादू नहीं जगा पाई। संवाद सुनकर हमेशा हंसी आए जरूरी नहीं है। तकनीकी रूप से फिल्म कमजोर नजर आती है। गानों का उपयोग दर्शक ब्रेक लेने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर डबल धमाल धमाल की आधी है। बहुत सारा फालतू समय हो तो इसे देखा जा सकता है। कहानी हाथ को आया पर मुंह को न लगाया। फिल्म धमाल में कहानी कुछ ऐसे ही मोड़ पर ख़त्म हुई थी जब धमाल में भी आदि यानी अरशद वारसी, मानो जावेद जाफरी
राय, रितेश देशमुख और बमन यानी आशीष चौधरी उसी मोड़ पर खड़े दिखाई देते हैं। इन चारों को जरूरत है एक बड़े धक्के की जो उनकी नैया पार लगा दे। इन चारों से उस समय रहा नहीं जाता जब इंस्पेक्टर कबीर नायक संजय दत्त को नवाबी ठाठ में देखते हैं। साथ में है कबीर की प्रेमिका यानी कामनी मल्लिका और बहन किया यानी कंगना, जो उसके दो नंबरी कामों में बराबर की पार्टनर है। आदि मानो बमन और राय कबीर से आगे निकलने की होड़ में पाटा भाई यानी सतीश कौशिक जैसे गुंडे को अपना दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि कबीर इन चारों के 250 करोड़ हड़प कर भाग जाता है। उसके पीछे पीछे चारों भी मकाऊ चले जाते हैं और भेष बदल कर उसके कैसनों में काम करने लगते हैं और उसे बर्बाद करने की साजिश रचने लगते हैं। निर्देशक अपने 21 साल के करियर में निर्देशक इंद्र कुमार ने पहली बार किसी फिल्म का सुकल बनाया है। इंद्र कुमार की फिल्मों में कहानी और उसे कहने का ढंग निराला होता है। दिल, बेटा, राजा, इश्क और मस्ती सहित कई फिल्मों की कहानियों में ट्विस्ट का दम वह दिखा चुके हैं, लेकिन दमल धमाल की कहानी में वह जलवा ही नहीं है। पहले और दूसरे भाग की कहानी में कोई कनेक्शन नहीं दिखता, सिवाय इसके कि लगभग सारे किरदार रिपीट किए गए हैं। हालांकि पटकथा में उन्हें तुषार हीरानंदिनी का अच्छा साथ मिला है, लेकिन फिल्म में ऐसे कई सीन्स हैं जिन्हें आसानी से किनारे किया जा सकता था। बहरहाल फिल्म में कुछ हिस्सों को उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से ह्यूमर में लपेटा है। अभिनय, पहले भाग की तुलना में संजय दत्त इस बार कम प्रभावी लगते हैं। या तो जाहिर है कि मल्लिका शरावत को एक्टिंग के लिए कम एक्सपोजर के लिए ज़्यादा रखा गया है, कंगना के एक्सेंट में प्रॉब्लम है और उनकी कॉमिक टाइमिंग भी खराब है, खास तौर पर जब सामने अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे कलाकार हो। पूरी फिल्म में अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रितेश देशमुख ने ही बांधे रखा है। बाबा स्टाइल में सतीश कौशिक की भाईगिरी अच्छी है, लेकिन उनके किरदार को साइडलाइन कर दिया गया है। आशीष चौधरी ठीक ठाक हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या है खास। ये तो फिल्म के हर दूसरे तीसरे सीन्स में कॉमेडी का तड़का है, फिर भी गोरिल्ला वाला सीन काफ़ी बढ़िया है। बमन के सूजे होंठ, अरशद का सिख स्टाइल और रितेश की मिमिक्री और जावेद का सो क्यूट स्टाइल गुदगुदाने वाले हैं। क्या है बकवास। जिस कहानी में दिमाग ना लगाना पड़े वहाँ कुछ भी हो सकता है। कबीर को राय एंड कंपनी की चालों का पहले से ही पता होना और सब जानते बूझते बेवकूफ बनना पल्ले नहीं पड़ता। पंचलाइन, फिल्म इस नोट के साथ ख़त्म होती है कि डबल धमाल का भी सिक्वल बनेगा, लेकिन फिल्म देखकर इसकी ज़रूरत महसूस तो नहीं होती। डबल धमाल की कहानी जानदार नहीं है, लेकिन इसमें एंटरटेनमेंट की एक ऐसे मज़ेदार डोज जरूर है जिसे एक बार लेने में कोई बुराई नहीं है। सितारे, संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, कंगना रनौत, मल्लिका शरावत, सतीश कौशिक आदि। निर्माता अशोक ठकेरिया और इंद्र कुमार। निर्देशक इंद्र कुमार। संगीत आनंद राज आनंद। गीत आनंद राज आनंद और मयूर पुरी। तो चलिए जानते हैं, डबल धमाल का कोई अर्थ तो नहीं है पर यह व्यर्थ भी नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह फिल्म ईमानदारी से हंसाने वाली फिल्म है। दूसरे हिस्से की कुछ गैर जरूरी जोड़बंदियों को छोड़ दे तो इसमें लिखावट, अभिनय, टाइमिंग और सिनेमेटोग्राफी की पैकेजिंग अच्छी है। दर्जा तो इसका भी सड़क छाप ही है, पर इस श्रेणी की हाल में ही आई रेडी, थैंक यू पटियाला हाउस, नो प्रॉब्लम जैसी वजनी नामों और बजट वाली फिल्मों से यह 20 है। कहानी वही धमाल के आगे की 10 करोड़ के खजाने के लिए दौड़ते चार बदमाश देश बंधु रितेश, मानो यानी जावेद और आदि यानी वारसी और बोमन यानी आशीष को उनका ही गुरघंटाला कबीर नायक यानी संजय दत्त बार बार चकमा देता है। इतना सा किस्सा पर चौकड़ी के अभिनेताओं ने जो एक सुर पकड़ा और पकड़ कर रखा है वह फिल्म की जान है। एक ऑर्केस्ट्रा सा बना है, उनका सब शामिल बाजा एक की ऊर्जा को दूसरे आगे बढ़ाता हुआ गंदे तू गंदा, प्यार की कमी,
ना आए कमीना आ गया। कुछ इसी तरह कुदरत ने इन्हें गला भी खोल कर दिया है, जिससे वे फिल्म के भव्य और लाउड मिजाज में खूब योगदान करते हैं। खासकर वारसी फिल्म की रफ्तार भी दनाती सनसनाती है। दत्त के साथ नथी मल्लिका और कंगना ग्लैमर घोलती हैं, पर उनके मुंह से तेज संवाद तौबा तौबा सिनेमेटोग्राफर असीम वजाज ने भव्य लोकेशंस को उनकी ऊंचाई और गहराई में